हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज लाइव। आज का लाइव है ऑनलाइन फ्रेंडशिप डेटिंग, उसके बेनिफिट्स, उसके रिस्क एंड उसके सेफ्टी टिप्स। मेरे साथ आज गेस्ट हैं बसंत भट्ट, आपके फेवरेट एक्टर, एंड या वेलकम। हाय एवरीवन, हाय तौशा। सो आई गेस मैं बसंत को ऐड कर लेती हूँ, बिकॉज आई एम सॉरी वी ऑलरेडी लेट। बसंत, वेलकम एवरीवन, वेलकम गाइस। गाइस, जिसका भी इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, जिसके पास इस टॉपिक को लेके क्वेश्चंस हैं, प्लीज वो लोग ज्वाइन करें, और जो सिर्फ बसंत से बात करना चाहते हैं वो प्लीज रिक्वेस्ट ना भेजें, बिकॉज मे बी आफ्टर दिस लाइव इज ओवर, आफ्टर एन आवर वील डू अ फैन इंटरेक्शन विद बसंत, अगर बसंत के पास टाइम होगा। अदरवाइज अभी पहले 1 घंटे के लिए प्लीज इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अगर, एंड इफ योर इंटरनेट कनेक्शन इज गुड देन प्लीज सेंड अस अ रिक्वेस्ट। आई सेंड रिक्वेस्ट टू बसंत बट हाँ बसंत, आई सेंड अ रिक्वेस्ट। हाय, हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बसंत, एवरीवन। अच्छे लग गुड रहे हो। मॉर्निंग, थैंक यू एके, आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच लोग बसंत, पूछ रहे हैं एकदम नीचे, कूल कूल लग रहे हो। लोग पूछ रहे हैं नीचे टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, मैं एक्चुअली लिख के उसे ये कर देती हूँ, पिन कर देती हूँ ऑनलाइन। आज का टॉपिक है ऑनलाइन। बसंत आप बताना चाहेंगे जब तक मैं लिख रही हूँ? यस, आज का टॉपिक है ऑनलाइन डेटिंग, फ्रेंडशिप, उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और रिस्क, बहुत सारी खराब चीज़ों में पड़ने से कैसे बचें। और इसके बेनिफिट्स भी हाँ, बहुत हैं इस समय पेंडामिक में, जब हम कितने सारे लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, तो ऑनलाइन ही तो इंटरेक्शन रहा, फोन के थ्रू, अलग अलग एप्स के थ्रू, ऑनलाइन फ्रेंडशिप डेटिंग रिस्क। वेलकम एवरीवन, एंड रिस्क, बेनिफिट्स एंड सेफ्टी, पोस्ट एंड हाउ डू यू पिन इट। बसंत, I'm sorry, मुझे हाँ एक्चुअली एक कॉल आ गया था, आई सॉरी, नीडेड टू पिक इट अप, इसलिए। एनीवेज, हाँ, तो हम बात कर रहे थे आज के टॉपिक। इतनी तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं कि आई एम जस्ट लूजिंग माय कमेंट अगेन एंड अगेन। गाइस, 1 मिनट के लिए कमेंट्स मत करो, 1 सेकेंड रुक जाओ। यस, पेन कमेंट। ओके, सो हाय बसंत, कैसे हो बसंत, कैसा चल रहा है सब कुछ? गुड गुड गुड, सब बढ़िया चल रहा है। अभी मैं उमरगांव में हूँ। बसंत, आई एम सो सॉरी बट कैन यू गो लिटिल फार अवे फ्रॉम द कैमरा, बिकॉज योर फेस इज हिडन बाय द कमेंट्स, एंड कैन यू कट द हेड स्पेस? यस, बिकॉज बेटर? आई एम श्योर यहाँ पे 90% लोग सिर्फ बसंत को देखने आए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको भी देखने बसंत से पड़ मिलने आए हैं, थोड़े बहुत मुझे भी मिलने आए होंगे रहे हैं। और टॉपिक के बारे में कितने लोग सुनने आए हैं पता नहीं, जो हम ज्ञान पिलाने वाले हैं सबको। नहीं, ज्ञान नहीं है, सो ये तो ओके, शुरुआत एक फ्रेंडली डिस्कशन है। जो हम सीख रहे हैं वही चीज़ें हम लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने फैंस को अपने फ्रेंड्स की तरह ही मानते हैं, एंड हम चाहते हैं कि जो चीज़ें अच्छी बातें हमें पता है वो हम हमारे फैंस को भी बताएं, सो दैट उस चीज़ का फ़ायदा सब उठा सकें। एब्सोल्युटली। और एक्चुअली सिर्फ राधा कृष्णा के सेट पे नहीं, मैंने इंडस्ट्री में जितने भी साल काम किया है, मोर देन अ डेकेड, मुझे बसंत वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड सॉर्टेड एक्टर्स में से एक लगते हैं, जो बड़े समझदार हैं, इसलिए मैं बार 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 बसंत को चूज करती हूँ इंट्रैक्शन करने के लिए, बिकॉज आई नो एक वेवलेंथ मैच होगी। और जिस तरह से मेरा भी ये पर्पस होता है कि जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्हें कुछ कुछ वैल्यू मिले इन इंटरेक्शंस के थ्रू, कुछ सीखने को मिले, बसंत का भी वो सेम मोटिव रहता है। सो शुरू करते एक्चुअली हैं। एक्चुअली मेरा तो इसीलिए हो पाया क्योंकि एके ने इनिशिएट किया,
इस लाइफ के पूरे जो भी सेशंस हैं इनके पीछे एक्चुअली हाथ एक ही का ही है। मैं तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं कभी लाइव आके करना, ये सब ऑडियंस को पता ही है सबको कि मैं तो कितना ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, हाइपर एक्टिव रहता हूँ इंस्टा और इन सब चीजों पर। बसंत तो इट को ऑल थैंक्स टू यू कि आप ये सब कर रहे हो एंड मुझे मोटिवेट किया आपने कि वी शुड गो एंड टॉक अबाउट इट। इट्स गुड। शुरू करते हैं बसंत। यस ऑनलाइन डेटिंग या फ्रेंडशिप जब हम कहते हैं, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट बसंत? मुझे ऐसा योर लगता है कि सजेशन। कई बार हम दो तीन चीजें होती है। एक तो इंसान बहुत ज्यादा जब इंट्रोवर्ट होता है, कोई इंसान जैसे मैं पर्सनली अपनी लाइफ में काफी टाइम तक, एक टाइम तक बहुत इंट्रोवर्ट ही रहा कि ज्यादा मैं घुल नहीं क्या पा क्या क्या सर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। सबको ऑडियो ठीक आ रहा है क्या? मुझे थोड़ी कम लग रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा, मेरा तो वॉल्यूम फुल ही है। एक सेकंड, जैसे चेक, फुल है वॉल्यूम तो। फुल है। ओके ओके ठीक है। हाँ, तो जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उन लोगों के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ उठना बैठना या मिलना या फेसबुक आया कैसे? फेसबुक स्टार्ट तो एक्चुअली सोशल मीडिया का फेसबुक से ही हुआ था। एक्चुअली उससे पहले भी ऑर्गोट और बहुत सारी याहू, बहुत सारी वेबसाइट्स थी, लेकिन मेनली जब बहुत ज्यादा लोगों ने इन्वॉल्व, लोगों को जिस सॉरी 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 सॉरी, कुछ आई थिंक टेक्निकल, मेरी वो मेरा मेरी वो एनीवेज, तो हाँ, तो इंट्रोवर्ट लोगों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आसपास के लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते और बातचीत नहीं कर पाते, फ्रेंड्स नहीं बना पाते, या बनाते भी हैं तो बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स बनाते हैं। फिर वो फ्रेंड्स भी जैसे कॉलेज चेंज हो गया तो दूर चले गए, फिर बात नहीं हो पा रही, फिर अकेले पड़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम पे ये जो फेसबुक है, इंस्टा है या और भी जो भी वेबसाइट्स हैं, ये हेल्प करती है लोगों को, उन लोगों को स्पेशली जो बहुत ही टच ज़्यादा में। इंट्रोवर्ट हैं, तो उनको लोगों से कनेक्ट करने में, बात करने में, जानने में, एंड उसके बाद फिर वो फ्रेंडशिप या जो भी जिस भी वे में वो जाए, उस वे में जाने के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे और मेरे खुद के, मैं दिल्ली में मैंने स्कूलिंग की, फिर मैं बॉम्बे चली गई अपना हायर कॉलेज करने के लिए। लेकिन अगर मैं अपने दिल्ली के स्कूल फ्रेंड्स या बचपन के फ्रेंड्स से टच में रह पाई, इट्स बिकॉज ऑफ फेसबुक। सो यू नो यू स्टिल आर एबल टू, ऑनलाइन आप दोस्तों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, टच में रह पाते हैं। और पेंडेमिक में थोड़ा ये चीज और ज्यादा बढ़ गई। बूस्ट हो गई है। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंडशिप जब हम कह रहे हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट हमारे जो ऑलरेडी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे टच में रहना। वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जो पेंडेमिक में जिसका ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ा था, तो वो बहुत सालों से ऑनलाइन डेटिंग एंड फ्रेंडशिप्स, जहां पे हम किसी ना किसी मीडियम को यूज करके ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं या एक डेटिंग या लव के डायरेक्शन में जाते हैं, जिन्हें हम मिले नहीं हैं, यानी जो हमारे लिए शुरुआत में स्ट्रेंजर्स हैं, राइट? वो एक काफी सालों से ये ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन डेट करना। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर कोई सिर्फ शादी के पर्पस से, शादी.com, जीवन साथी है, फिर सिर्फ डेटिंग के थोड़े कैजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बम्बल है, आइल है, टिंडर है, बहुत सारे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी लोग एक दूसरे से, स्ट्रेंजर्स से ऑल ओवर द वर्ल्ड दोस्ती करते हैं। वो दोस्ती कई बार प्यार में भी बदल जाती है, या कई बार बिजनेस एसोसिएशंस बन जाते हैं लोगों के, काम के जरिए। काम कुछ ऐसी साइट्स भी हैं, जैसे आई थिंक बंबल में एक ऑप्शन है कि आप फ्रेंड भी बना सकते हो, फ्रेंड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, आप डेटिंग का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, विच इज लुकिंग फॉर लव और व्हाटएवर, डेटिंग लुकिंग फॉर लव। और आप बिजनेस एसोसिएट, मतलब आर यू लुकिंग फॉर वर्क सोशलाइजिंग वर्क वाइज, उसका भी ऑप्शन कर सकते हो। राइट, तो मतलब मोटा बेसिकली मोटा यही है कि ऑनलाइन आप कनेक्ट करते हो लोगों से, आप फिर दुनिया के ऐसे लोगों से कनेक्ट कर पाते हो जिनसे आप नॉर्मली नहीं मिल नहीं पाते, मिल पाते। यस, राइट? तो वही मुझे भी एक्चुअली, मेरा जो फर्स्ट जब फेसबुक आया था या जब ये नया नया आया था, तो
तो बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि इतने मेरे फ्रेंड्स बन गए. तो वी यूज टू कंपेयर कि अरे तेरे कितने फ्रेंड्स हैं, तो बोलेगा अरे मेरे 500 फ्रेंड्स हैं, अच्छा मेरे 700 फ्रेंड्स हैं. तो इस तरह से बट द रियलिटी इज कि वो 700 में से हम मिलते 6 या 7 को ही थे, ये जानते एक्चुअली पर्सनली सिर्फ 6 या 7 को ही थे. जो हमारे ऑलरेडी फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा, बस आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या डेटिंग साइट के थ्रू किसी से दोस्ती हुई हो, लाइक रियल दोस्ती हुई? बिल्कुल हुई है. एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, आई एम श्योर एवरीवन वुड वांट टू नो दिस, ये तो यस मुझे यस भी नहीं पता, प्लीज शेयर. मेरे इंस्टा के कितने सारे फैंस हैं, जो मतलब बहुत सारे भी नहीं है बट कुछ गिने चुने हैं जो काफी अच्छे फ्रेंड्स बने हैं मेरे. मैं मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था. आई ऑल्सो ऑलवेज यूज टू थिंक कि फैंस हैं तो देर क्रेजी एंड मतलब वो सिर्फ जब तक शो है तब तक ही हैं. बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल लाइफ में भी पर्सनली आके मिलते हैं सेट पे एंड मिलके फिर वो मतलब उस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए वो करते हैं. तो वो एफर्ट्स जो हैं वो मुझे ड्रॉ करते हैं कि आई शुड नॉट लूज दिस पर्सन जो इतना एफर्ट्स डाल रहा है टू मेंटेन दिस. बट ऐसे बहुत कम ही सेलिब्रिटीज हैं बसंत जो टच में रहते हैं अपने फॉलोअर्स या फैंस के, राइट? अब बाकियों का मुझे नहीं पता बट मैं मतलब मुझे जिनकी वाइब अच्छी लगती है या जो मुझे लगता है जेन्युइनली मेरे लिए कुछ सोच रहे हैं तो उनसे तो मैं रहता हूँ टच में. मैं खुद भी दो तीन ऐसे फैंस कह लो या जो भी फॉलोअर्स कह लो, उनके टच में हूँ रेगुलरली, जो बहुत ही है. दे गिव अ वेरी पॉजिटिव वाइब, दे आर वेरी वेरी एनकरेजिंग, यस यस बहुत सपोर्टिव है. बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं. सो वही मैं कि दिशा, दिशा सोशल करके मीडिया देयर ने इज अ गर्ल. सोशल मीडिया ने एक नया वे तो खोला ही है टू मेक फ्रेंड्स एंड टू कनेक्ट विद पीपल या टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द पीपल जिन लोगों के पास आपका एक्सेस नहीं हुआ करता था पहले. सो नाउ दे हैव एक्सेस टू यू टू योर टैलेंट. एंड या अभी जैसे फ्रेंडशिप की बात ले लो तो हम फ्रेंड्स किन को बनाना चाहते हैं? इन जनरली हम ऐसे लोगों को फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं जिनसे हम कुछ सीख सकें या जो हमें पर्सनल लाइफ में ग्रो करने के लिए मोटिवेट करते रहें या जिनको जिनके साथ हमारी जर्नी रहे, जिनके हमें पता हो कि हमारी जर्नी सेम है एंड हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं उस जर्नी में. जैसे स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं कैसे फ्रेंड्स बनते हैं ऐसे ही ना कि या तो एक होता है कि जो साथ में बैठते हैं मतलब ऑब्वियसली वी शेयर द सेम सिलेबस ऑफ स्टडी तो हम फ्रेंड्स बन गए. या बाहर हम कोई गेम खेलने चले गए तो वो गेम में भी शेयर सम सेम इंटरेस्ट सेम गेम का. तो ऐसे ही इस चीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. इस मैंने इसीलिए कहा इंट्रोवर्ट्स के लिए ज्यादा अच्छा है बिकॉज इंट्रोवर्ट्स नॉर्मल लाइफ में ये चीजें भी नहीं कर पाते, सोशलाइज ज्यादा नहीं कर ही नहीं करते. पाते. वो मतलब गेम भी खेलेंगे तो वो अपने अपने में ही रहेंगे, ज्यादा घुल मिल नहीं पाते. तो ये एक अपॉर्चुनिटी ये प्लेटफॉर्म्स उनको प्रोवाइड करते हैं जो उनको रियल लाइफ में इतनी नहीं मिल पाती है, मिलती भी है तो. कभी आप डेटिंग साइट्स पे रहे हैं और क्या कभी किसी डेट पे गए हैं? क्योंकि ऑनलाइन फ्रेंडशिप और डेटिंग भी हमारा एक मेन टॉपिक है. सो अगर हम उस टॉपिक पे आए तो बहुत सारे डेटिंग साइट्स हैं इस समय. बम्बल है, आइल है, कॉफी मीट्स वेगल है, हिंज है, टिंडर तो बहुत पॉपुलर है ही. सो हैव यू एवर यूज्ड अपनी पर्सनल लाइफ में डेटिंग या दोस्ती के लिए? हाँ यस यस आई हैव यूज्ड इट बट मेरा गाइस, बसंत, बसंत, आर यू ऑन सम डेटिंग साइट राइट नाउ? गर्ल्स, बसंत इज ऑन. किस पे हो बसंत, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग? नहीं मतलब किसी पे भी रहे मतलब मेरा बहुत मिक्स्ड रिव्यू है इन सारी एप्स को लेके. बेसिकली क्या है कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि हैव यू आप मेट एनीबडी फर्स्ट हाँ हाँ मैं मिला थ्रू हूँ. दीज डेटिंग साइट्स यस यस मिला हूँ मेरे एंड फ्रेंड, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा भी रहा है और थोड़ा अजीबो गरीब भी रहा है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डेटिंग एप्स भी रियल लाइफ की तरह ही हैं. जो अगर हम सोच रहे हैं इस तरह से कि अगर डेटिंग एप्स पे गए तो वो कुछ अलग दुनिया होगी या कुछ अलग ही होगा वहाँ, ऐसा नहीं है. जैसे हम रियल लाइफ में अभी सपोज अगर मैं
बाहर निकल जाऊं रास्ते में, अब रास्ते में मैं किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर पाऊंगा ना, या मुझे पता नहीं चलेगा ना कि कौन कौन है लोग इन 100 लोगों में जो सेम इंटरेस्ट जो मेरा है वैसा ही उनका भी है, वो मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगा अनलेस आई इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी जिनमें वो भी हूँ, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम डेटिंग एप्स पे या आस्थाई सिंह डेट मी, कौन कौन बोल रहा है। आस्था आस्था समबडी सिंह डेट मी, गाइस गो टू दीज डेटिंग साइट्स एंड लुक फॉर बसंत एंड सेंड हिम मैच और रिक्वेस्ट. आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट, आप नहीं सर्च कर सकते आई थिंक किसी को ऐसा है, बट इज इट? एनीवेज मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत अलग अलग थॉट प्रोसेस वाले लोग वहाँ आपको मिलेंगे जो आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, कुछ बड़े अजीब भी लगेंगे, बट या इट इज अनदर वर्ल्ड जो सिमिलर। मुझे अगर मैं डेटिंग साइट्स की बात करूं बसंत, तो मैं भी पिछले 1 महीने से कुछ डेटिंग साइट्स पे हूँ. अब मुझसे रीजन ना पूछा जाए तो अच्छा है, वरना मुझे बहुत मार पड़ेगी. बट यस, सो बेसिकली पिछले 1 महीने से मैं भी डेटिंग साइट्स पे हूँ. एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं बड़ी अप्रिहेंसिव थी. मुझे ऐसा लगता था कि डेटिंग साइट्स पे जाने की क्या जरूरत है. आप अगर किसी को अपनी लाइफ में चाहते हो, चाहे एज अ दोस्त या एज अ लवर या एज अ हस्बैंड या जो भी है पार्टनर, तो आपको तो लोग मिल जाते हैं ना. बट ऑफ कोर्स पेंडेमिक ने हमें ये चीज सिखाई कि ऐसा नहीं होता. और दूसरा, पेंडेमिक मतलब मैं भी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट तो हूँ, आई एम एन एम्बीवर्ट, मतलब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का मिक्स. तो मेरे फेजेस चलते हैं, मैं कई बार ऐसे फेजेस में रहती हूँ. मैं पिछले कुछ सालों से ऐसे फेज में हूँ, आई एम श्योर बसंत हैज सीन दैट ऑन द सेट ऑफ आरके, जहाँ मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती. तो जब आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, आपका बहुत एक्टिव सोशल सर्कल नहीं होता, तो फिर आप नए लोगों से मिलोगे कैसे और आपके नए दोस्त बनेंगे कैसे. जैसे मेरे जो 3 बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो 15 साल, 16 साल, 17 साल पुराने हैं. उसके बाद मेरे नए दोस्त बने ही नहीं है. दैट ऑब्वियसली प्रूव्स दैट मेरा सोशल सर्कल उतना बड़ा नहीं है, और मैं इतनी आसानी से लोगों को दोस्त नहीं बना पाती, उनके साथ ओपन अप नहीं कर पाती. तो 1 महीने पहले मैंने सोचा कि यार मैं दिल्ली में रह रही हूँ काफी टाइम से, यहाँ मेरे दोस्त नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, तो लेट मी गो ऑन दीज साइट्स एंड सी इफ आई कैन फाइंड सम न्यू फ्रेंड्स. आई वॉज प्रेजेंटली सरप्राइज, मैं मुझे काफी अमेजिंग लगा ऑनेस्टली. ये 1 महीना अमेजिंग ऐसे लगा कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था. मुझे थोड़ा सा डर था, मुझे लगा बड़े अजीब अजीब क्रीपी लोग हो सकते हैं, क्या मैं अपनी गंदी सी फोटो लगा लेती हूँ ताकि बहुत ज्यादा अटेंशन ना मिले, अगर किसी ने पहचान लिया तो, ये वो, ये सब बड़े सारे वो थे. एंड एक्चुअली मैंने नाम भी कुछ और यूज किया, आकांक्षा नहीं यूज किया. एंड ऑफकोर्स जब किसी से दोस्ती हो जाती थी तो मैं उन्हें बता देती थी कि मेरा नाम ये है और मैं एक्ट्रेस हूँ. ज्यादातर जो लड़के होते हैं वो टेलीविजन देखते नहीं है, तो वो आपको नहीं पहचानते इतनी आसानी से. सो मेरा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बसंत अच्छा रहा. मैं कुछ ऐसे ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर पा रही हूँ एज फ्रेंड्स राइट नाउ, जिनसे मैं नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं मिल पाती. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, कुछ माउंटेनियरिंग करते हैं, कुछ मतलब ट्रेनर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं. बड़ा अच्छा लग रहा है उनसे बात करके. ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड, मेरा सर्कल, मैं जो बड़ा इंटरेक्शंस, वरना हम वही सेम एक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, वही सेम बातें होती हैं, वही सेम सर्कल होता है ना. तो इन नए नए लोगों के साथ नई नई बातें करके माइंड इतना ओपन अप हो रहा है, इतनी कुछ नई नई चीजें सीखने को मिल रही है. दैट इज समथिंग आई एम एंजॉइंग. बट बहुत सारे लोगों से बात करके मैंने ये रियलाइज किया है कि ऑनलाइन डेटिंग या ऑनलाइन दोस्ती करने के बहुत सारे रिस्क भी हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो बसंत, कि जो रिस्क है, व्हाट डू यू थिंक कि क्या रिस्क होते हैं. मैंने तो कुछ लिस्ट डाउन किए हुए हैं प्रॉपरली जो रिस्क हैं, बिकॉज मैंने जिन लोगों से भी बात की, मैंने उनसे भी पूछा कि अगर उनका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा और अगर उनके कोई टिप्स हैं उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन दोस्ती करना चाहते हैं या रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं या कुछ भी ढूंढ रहे हैं. वी डोंट जज एनीबडी. ऑनलाइन पोर्टल पे जाके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लोगों के, बट फिर भी एक सेफ्टी मेजर क्या लिया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सी फ्रॉड्स या ऐसे लोग जो
दूसरों का फायदा उठाना चाहते हैं, ये तो हर जगह ही है, रियल लाइफ में भी है, और डेटिंग एप्स पे तो फिर और उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि वहां तो आपकी आइडेंटिटी को, फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे वो आपको चीट करके गायब हो सकते हैं और आप उन्हें ढूंढ भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो स्क्रीन के दूसरी तरफ है। पर्सनल लाइफ में कोई आपको चीट करता है तो आप तो उसे पकड़ कुछ भी सकते हो आसानी। कुछ ऐसी डेटिंग एप्स हैं जिनमें वो उनका क्या कहते हैं वेरिफिकेशन समथिंग कुछ उनका होता है, तो आप ट्राई करो कि अगर आप वैसी ऐप पे हो तो वैसे ही प्रोफाइल से बातें करो जो ऑलरेडी वेरीफाइड हैं, सो दैट आपका आधा हेडेक वहीं कम हो जाएगा या ट्रस्ट का जो इशू है वहीं सॉल्व हो जाएगा। सेकेंडली, जब भी किसी से बात कर रहे हो तो बहुत अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शेयर मत करो, ना नाम और मतलब फेस तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई बार बहुत सारी एक्सट्रीम में चीज़ें हो जाती हैं सिर्फ ऑनलाइन चैट करते हुए में या सिर्फ फ़ोन पे बात करते हुए में, तो इतनी इजीली ट्रस्ट मत करो, मिलो, मिलके देखो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को और उस इंसान को, एंड फिर उसके बाद आगे कोई नेक्स्ट स्टेप लो, ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी मेजर हो सकता है। मैं जो एज अ गर्ल बसंत शेयर मतलब मैं एज अ गर्ल जो फॉलो करती हूँ, आई एम सॉरी हैव टू कट यू इन, आई जस्ट रियलाइज इट्स 10:24 एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो मैं एज अ गर्ल जो फॉलो करती हूँ वो ये है कि अगर मैं डेटिंग साइट पे किसी के साथ मैच किया एज अ फ्रेंड एंड जो भी है, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, चाहे आप फेसबुक पे हो, चाहे आप किसी डेटिंग साइट पे हो जहाँ आप प्रॉपर प्रोफाइल बना सकते हो, हमें हमारी खुद की इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। यानी कि हमें खुद पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। क्या हमें किसी से सिर्फ दोस्ती करनी है, क्या हम प्यार ढूंढ रहे हैं, क्या हम शादी का हमारा ऑब्जेक्टिव है, या क्या हम जस्ट कैजुअल फन करना चाहते हैं, क्या हम सिर्फ घूमने फिरने ट्रैवल करने के लिए कोई कंपेनियन ढूंढ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, यू नॉट जजिंग एनीबडी। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपको पहले मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, राइट? क्योंकि जब आपको क्लियर होगा तो आप सामने वाले को कन्वे भी कर पाओगे कि भाई मुझे ये चाहिए। हाँ, वो भी है, और आप जब बात कर रहे हो और सामने वाले का इंटेंशन कुछ और ही है, मतलब इंटेंशन एज इन कि आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप करनी है और किसी को चाहिए कि शादी करनी है, तो आप तो मिलके या बात करके फिर एक दूसरे को डिसअपॉइंट ही करोगे ना, एक पॉइंट के बाद फ्रेंडशिप हो जाएगी लेकिन उस इंसान की एक्सपेक्टेशन तो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो जिस इंटेंशन से उसने ये कन्वर्सेशन या ये फ्रेंडशिप स्टार्ट की थी वो इंटेंशन पे वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप वो चीज के लिए रेडी नहीं। तो आप पूछ सकते हो, है ना, डायरेक्टली। मैं तो ये फॉलो करती हूँ कि इनिशियल हाय हेलो वगैरह होने के बाद मैं पूछ लेती हूँ थोड़ा पोलाइट वे में कि आप मतलब इस आप क्या चाह रहे हो, मतलब क्या ढूंढ रहे हो। तो अगर वो मुझसे मैच करता है जो मैं ढूंढ रही हूँ, तो मैं इंट्रैक्शन को आगे बढ़ाती हूँ, वरना मैं इंट्रैक्शन को पोलाइटली रोक देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप किसी से बात करने लगते हो और थोड़े से अटैच होना शुरू हो जाते हो, उनकी आदत पड़ जाती है, वो इंसान हमें अच्छा लग जाता है, और फिर बाद में जब रियलाइज होता है ना कि वो इंसान वो नहीं चाहता जो आप चाहते हो, तो फिर आपका उससे डिस्कनेक्ट होना मुश्किल हो जाता है और फिर आप हर्ट होते हो या वो इंसान हर्ट होता है। करेक्ट। तो मेरा पर्सनल सजेशन होगा, शुरू में ही पहले अपने आप को क्लियर कर लो आप क्या चाहते हो। जब ऑनलाइन आप किसी से भी दोस्ती करते हो या जो भी रिश्ता बढ़ाते हो, इवन बिजनेस वाइज भी अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, आप क्या चाहते हो। मुझे मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप डेटिंग एप्स पे अगर आपकी बात हो रही है या इंस्टा पे भी बात हो रही है किसी से, तो थोड़ी बात के बाद कोशिश करो कि जितनी जल्दी आप मिल सको इन पर्सन उस इंसान से, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप बात जिससे कर रहे हो, जिस इमेज को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो, इन पर्सन वो इंसान वो होता ही नहीं, बहुत अलग इंसान होता है, शक्ल से ले लो या क्या कहते हैं पर्सनालिटी से ले लो। कई बार लोग अपनी पुरानी पिक्चर्स यूज कर रहे होते हैं, अब वो कुछ और दिखते हैं। एग्जैक्टली। तो बिफोर ये भी हो सकता, मैंने ये भी सुना है कि किसी और की पिक्चर्स भी लोग यूज करते हैं। करते हैं, यस यस यस। तो ऐसे आई थिंक कैटफिशिंग कहते हैं। हाँ, तो इस चीज की वजह से ना आपको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, हालांकि इंसान वही है, बात आपने जिससे करी
इंसान वही है, लेकिन आपने क्योंकि इमेज एक मन में बना रखी थी कि अच्छा हाँ दिस पर्सन लुक्स लाइक दैट, तो जब आप मिलते हो और वो वैसा नहीं होता है तो यू सम वॉट फील चीटेड कि यार नहीं इसने गलत बोला या झूठ बोला आई या डोंट थोड़ा सा आइडेंटिटी. ना आई बसंत आई डोंट एग्री विद यू टोटली इन द सेंस कि जितनी जल्दी हो सके मिल लो. ये शायद लड़कों के लिए ठीक रहता है, बिकॉज मैंने देखा है लड़के हमेशा, मैंने जिन लोगों से भी ऑनलाइन बात की तो मैंने क्लियरली बोला कि मैं पहले मैं चाहती हूँ, मैं फ्रेंड की तरह जानना चाहूंगी आपको, आप आगे का तो बाद में है, राइट. पर लड़के ना बड़ी जल्दी मिलना चाहते, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके फोन पे आना चाहते हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स को थोड़ा सा, मतलब अभी मैं यहाँ पे आई एम नॉट बीइंग अ सेक्सिस्ट कि लड़कियों को फेवर कर रही हूँ, बट नहीं फिर भी देखा जाए लड़कियों को थोड़ा सा सेफ्टी ज्यादा करनी होती है या लेनी होती है. नहीं वो तो सेफ्टी जो के लिए मैं कह फॉलो करती हूँ, रहा, मैं सेफ्टी के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन पर्सन एक बार जैसे कभी कॉफी पे मिल लिए या कहीं मिल लिए, तो आप ये पहले श्योर हो जाओगे ना कि हाँ उस जिस इंसान से मैं जिस तरह से वो चैट में था उसी तरह का बिहेवियर उसका बस. रियल बट लाइफ इसका ना एक बेटर हैक पता है क्या है, इसका एक बेटर आइडिया क्या है विच आई फील वर्क्स बेटर फॉर गर्ल्स. आप पहले चैट पे बात करो, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. द फर्स्ट स्टेप इज आपने किसी को मैच किया या ऐड किया, बात करनी शुरू की, या तो उसने अप्रोच किया आपने अप्रोच किया, जो भी. थोड़े टाइम चैट पे बात होने के बाद, यानी नॉर्मल हाय हेलो कहाँ के हो ये वो करने के बाद, आप सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि आप दोनों की डेस्टिनेशन यानी ऑब्जेक्टिव जो है, आप दोनों क्या चाहते हो इस इंटरेक्शन से, वो मैच करता है कि नहीं. अच्छा वो भी मैच कर गया, अब आप थोड़ा और चैट करके उस इंसान को जानने की कोशिश करोगे, ठीक है. अब आपको अभी सब कुछ ठीक लग रहा है तो मैं कहती हूँ कि फिर इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके फोन पे पहले बात करो. आपको अगर फोन पे बात करके एक अच्छी वाइब मिलती है, इंसान सेंसिबल लगता है, नॉर्मल लगता है, तो फिर मिलने से पहले का एक स्टेप जो मैं लड़कियों को सजेस्ट करूंगी वो है वीडियो कॉल. क्योंकि वीडियो कॉल पे आपको शक्ल दिख जाएगी, फोन बिल्कुल पे बात वाली ऑडियो दिख जाएगा, वो करेक्ट. इंसान कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जो फोटो दिखा रहा है वही है, जो कह रहा है वही है कि नहीं. आप जब वीडियो कॉल कर रहे हो तो सिर्फ उस इंसान पे ध्यान मत दो, उसके बैकग्राउंड पे भी ध्यान दो. मतलब वो जो वीडियो कॉल कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो आपको उसका घर दिखेगा, क्या पता कोई फैमिली मेंबर दिखे, थोड़ा अलर्ट रहो बिगनिंग में, राइट. सो करेक्ट फॉर गर्ल्स आई वुड से मिलने से पहले वीडियो कॉल इज अ गुड ऑप्शन. एग्री. बिकॉज मिलने में इवन दो आप पब्लिक प्लेसेस पे मिलोगे, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क तो तब भी रहता है, हल्का नहीं फुल्का. सही है सही कोई है. इंसान आप आई टेक माय वर्ड स्टॉक बैक, करके, यस एक्चुअली मेरे दिमाग में वीडियो कॉल आया नहीं, तो वीडियो कॉल इज अ मच बेटर ऑप्शन बेटर बिफोर. ऑप्शन बिफोर यू मीट. यस अब यस वीडियो कॉल पे आपको वाइब अच्छी लगी, आपको बंदा नॉर्मल लगा, अब आप जाके मिल सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट. करेक्ट. अच्छा अब बसंत, अगर हम क्विकली रिस्क फैक्टर्स की बात जैसे आपने शेयर की, तो मैं कुछ एक रिस्क फैक्टर्स शेयर करना चाहूंगी जो मुझे ऑनलाइन ही कई लोगों ने शेयर किए और मेरे पर्सनल फ्रेंड्स ने भी शेयर किए. जैसे ये बड़ा कॉमनली सुना गया है, लड़कों के साथ ये बहुत होता है कि लड़कों ने कुछ फॉरनर लड़कियों से दोस्ती की जो मतलब इंडिया की भी नहीं, वो इंडियन है या कुछ है, या बेसिकली वो ये पोज कर रही है कि वो किसी किसी और सिटी में रहती है. बेसिकली प्रोफाइल ऐसा होगा कि आप चाहो भी तो मिल नहीं पाओगे उनसे इमीडिएटली, ठीक है. और फिर कुछ टाइम बड़े अच्छा प्यार मोहब्बत दोस्ती और सपने कि भाई एक दिन मिलेंगे, तुम मेरी कंट्री में आ जाओ या मैं तुम्हारी कंट्री या सिटी में आ जाऊं, उससे पहले वो कोई एक बहाना करके आपसे कुछ पैसे लेने की कोशिश करते हैं. तो फाइनेंशियल फ्रॉड भी बहुत कॉमन है और कई बार लड़के या लड़कियां, और ज्यादातर ये लड़कों के साथ होता है कि मिलने के डेस्परेशन में और लड़की का को भोला समझ के या बड़ा सुंदर अट्रैक्टिव समझ के इस चीज में फंस जाते हैं. एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना बहुत जरूरी है. सेकंड चीज जो मैंने सुनी है और आई हर्ड अबाउट इट इज कि कई बार आप जिसके साथ, जिससे कभी मिले नहीं और ऑनलाइन दोस्ती की है, वो इंसान आपको एक लिंक भेजता है. हाँ सपोज ये मैंने भी आपकी सुना. दोस्ती हो यस गई यस 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 और व्हाट्सएप पे आप बातें कर रहे हो, ठीक है, आपने पर्सनल नंबर शेयर कर लिया, अब उस हाँ इंसान ने आपको एक लिंक भेजा, आप तो सोचोगे चलो ये मेरा दोस्त है, आपने उस लिंक पे क्लिक किया और राइट पता लगा वो कोई हैकिंग लिंक है और उसने आपके फोन को हैक कर लिया. हाँ इससे तो बड़ा बचना बी चाहिए. वेरी केयरफुल, एक्चुअली यस, ठीक है. ये तो बड़े ऐसे चीजें हैं जो हो रही हैं इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ.
थर्ड थिंग इज जो जिसके बारे में मैंने अभी एक नेटफ्लिक्स पे द मोस्ट हेटेड पर्सन ऑन इंटरनेट करके एक डॉक्यूमेंट्री देखी है 3 एपिसोड की। उसमें ये बताया गया है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ अमेरिका में 2011 के आसपास ये हुआ था कि लड़कियों ने सपोज अपनी खुद की कुछ पर्सनल इंटीमेट पिक्चर्स खींची जो उन्होंने किसी से शेयर भी नहीं की और कुछ केसेस में अपने बॉयफ्रेंड्स या किसी दोस्त से शेयर की। अब वो पिक्चर्स लीक होके कहीं किसी वेबसाइट पे चली गई तो जो वेबसाइट वो बंदा रन करता था वो कैसे उन पिक्चर्स का मिसयूज कर रहा था और जिन लड़कियों की ये पिक्चर्स थी उनमें से एक ने सुसाइड करने की कोशिश की, उनकी लाइफ एकदम खराब हो गई। तो सोचो ना, आपने अपनी कोई इंटीमेट पिक्चर ली है अपने लिए बट वो आपके फोन से हैक होके किसी वेबसाइट पे चली गई, या आपने अपने बॉयफ्रेंड या अपने लाइफ पार्टनर हस्बैंड या किसी के साथ शेयर की लेकिन वहां से वो हैक होके या लीक होके या किसी तरह से किसी वेबसाइट पे पहुंच गई। अब करेक्ट आपकी फैमिली देख सकती है, पूरी दुनिया देख सकती है, तो उन लड़कियों पे क्या बीती होगी। बट उन लड़कियों में से एक की मदर ने कुछ 5-6 साल तक उस केस को फाइट करके किसी तरह से उस बंदे को जेल दिलवाई जिसने पूरा हैकिंग और ये सब किया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ये समझना पड़ेगा कि जब मैं अपनी कोई इंटीमेट पिक्चर क्लियरली बोलती हूँ, न्यूड पिक्चर, सेमी न्यूड पिक्चर या कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग चीज अपनी, अपने पार्टनर की, अपनी किसी फैमिली मेंबर की, अगर हम फोन पे उसे शूट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे फोन से इंटरनेट के थ्रू हैक हो सकती है, चोरी हो सकती है और मिसयूज हो सकती हो है। सकता है, यस अगर हम, मेरा पार्टनर भी है, मेरा सपोज हस्बैंड भी है या मेरा रिलेशनशिप भी है और वो इंसान किसी और शहर में है कुछ टाइम के लिए और हम एक दूसरे से वीडियो पे चैट कर रहे हैं या चैटिंग में उनके साथ कोई इंटीमेट चीज शेयर कर रहे हैं जैसे सेक्सटिंग कहते हैं या हम एक वीडियो पे कुछ भाई चलो यू नो शो मी योर सेल्फ ऐसे जो भी है यू नो, मैं बहुत ओपनली नहीं बोलना चाहती बट आई एम श्योर सब समझते हैं, एवरीवन इज मैच्योर हियर, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फोन या हमारा लैपटॉप या ये जितने भी मीडियम्स हैं, स्काइप्स हैं, व्हाट्सएप हैं, आई नो इनमें सेफ्टी होती है बट आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि इन चीजों से आपका वो कंटेंट लीक होके बाहर दुनिया में नहीं चला जाएगा और आपकी पूरी लाइफ को खराब नहीं कर देगा। कर सकता है और बिल्कुल उसका कर सकते हैं। अभी बहुत कितने मेजर कितने मेंटल और सारे ऐसे आपकी केसेस सोशल सुनने में आते हेल्थ। हैं कि लोग किसी का लैपटॉप हैक हो गया। ये तो मुझे लगता है अभी कॉमन फोन दो। चोरी हो जाते हैं हाँ सन, फोन चोरी हो गए, आपने अपनी फोन पे हाँ अपने बाथरूम में फोटो खींची है ऐसे ही अपने देखने के लिए, फोन चोरी हो गया, आपकी पिक्चर्स लीक हो गई, ठीक हो गया। बहुत कुछ होता है। और मैंने ऐसा बहुत सुना है कि डेटिंग साइट्स पे आप लोगों को मिलते हो, दोस्तियां हो जाती हैं या प्यार हो जाता है, फिर लोग क्योंकि किसी और सिटी में है तो एकदम से मिल तो पा नहीं रहे, अब वो एक दूसरे को बोलते हैं कि अपनी फोटो भेजो, जो भी है न्यूड्स भेजो, सेमी न्यूड्स भेजो या जो भी है वीडियो पे कुछ करना चाहते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि इवन आप अगर किसी को ट्रस्ट करते हो, अगर वो आपका लाइफ पार्टनर भी है और आप किसी को भेज रहे हो तो ऑन द वे आपका पार्टनर शायद ना लीक करे बट ऑन द वे वो हैक हो सकती है, आस्था इज चोरी सेइंग हो एट लीस्ट सकती से हाई टू मी। हाय आस्था, आई थिंक दो है। तीन हाय बार आ आस्था। गया अब। या बिफोर आई फॉरगेट, बल्लू एक बहुत प्यारी फैन है तुम्हारी, मेरी, पूरे राधा कृष्णा की, दिशा नाम है उसका, दिशा का बर्थडे आने वाला है सो शी सेड प्लीज मुझे पहले विश कर देना इन एडवांस, हैप्पी बर्थडे दिशा। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दिशा। यस एंड और भी थोड़ा सा मे बी वी कैन, बहुत हैवी हो गया है टॉपिक सो मे बी थोड़ा सा बात मतलब देख लो बसंत, इफ समबडी इज ट्राइंग टू टॉक टू यू यस विक ये दिया विके दिया ब्रो प्लीज बात करें हमसे। जोरदार हाउ आर यू बसंत भैया। आई एम फैंटास्टिक, वेरी गुड। आप कैसे हो? आप सब भी मुझे लग रहा है बहुत एनर्जेटिक हो आज। श्रेया ऑफिशियल मेरे साथ भी हुआ है, 2 अकाउंट हैक हो गए हो, वाओ। दिस इज अ अगर किसी के वेरी साथ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हुआ है प्लीज कमेंट करें, प्लीज हम शेयर करेंगे।
प्लीज कमेंट करें, एंड मे बी वो कमेंट के साथ कोई एक ऐसा आइकन डाल दें कि हमें ध्यान से नजर आए. मेरे साथ भी हुआ है, श्रेया का पढ़ लिया मैंने. मधु सिंह ऑफिशियल सेज ओनली मेंशनड बसंत, किस बारे में? टेक लव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू सो मच, 10 मिनट बाद। रियली यू आर तानिया इंस्पिरेशन। सरकार, लव यू बोथ. प्लीज लोगों, प्लीज रेड रूम के बारे में बताएं. रेड रूम क्या होता है बसंत? मुझे भी नहीं पता. डियर सोनू ने पूछा है. रेड रूम क्या होता है? मुझे नहीं पता पता। नहीं, आई हैव नो आइडिया. आई एम श्योर बसंत ऐसी बहुत सारी चीजें दुनिया में हो रही है जिनके बारे में हमें पता नहीं है. हम तो बड़ा बेसिक सा शेयर कर रहे हैं, राइट। राइट? हम लोग बेनिफिट्स के बारे में शेयर कर चुके हैं. एक बार मैं वापस रिफ्रेश कर देती हूँ. अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है, हम ऑनलाइन फ्रेंडशिप और डेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं. उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनकी क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, क्या रिस्क हैं. सो हमने मोटा मोटा बात की है कि बेनिफिट ये है कि हमने पेंडेमिक में रियलाइज किया, जहां लोगों से मिलना इतना मुश्किल था, वहां पे आप ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या डेटिंग साइट्स हो, इनके थ्रू बड़े सारे लोगों से आराम से टच में रह पाए, फोन्स करेक्ट। के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू. सो ऑफ कोर्स इंटरनेट जो है या जो फोन है, फोन पे पूरी दुनिया से हम कनेक्ट हो पाते हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. बट ये ब्लेसिंग अभिशाप भी बन सकती है. यानी कि अगर हम केयरफुल 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 नहीं. रहना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। मतलब वो कोई भी चीज आप करो, अगर रियल लाइफ में भी कहीं जा रहे हो मिलने किसी को, तो वहां जैसे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हो, बैकग्राउंड का, आसपास के एटमॉस्फेयर का ध्यान रखते हो, वैसे यहाँ भी थोड़ा केयरफुल होकर ही। ये नहीं कि अभी ऑनलाइन है सब कुछ, हम थोड़ी ना पर्सनली मिल रहे हैं तो केयर फ्री हो गए कि हाँ ठीक है चलो, ऐसा नहीं होना है। यहाँ भी केयरफुल रहो क्योंकि हैकिंग इज अ रियल इशू, एंड उससे आप खुद ही अपने आप को बचा सकते हो, क्योंकि एक बार कुछ हो गया उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप साइबर क्राइम में कंप्लेन करोगे और क्या कर पाओगे। जो लेकिन बुरा होना है वो तो हो चुका होगा तब तक, तो बेटर यही है कि पहले ही अपने आप को सेफ कर लो। ऐसी सिचुएशन में ही मत डालो अपने आप को कि आपको ऐसा कुछ झेलना एंड स्पेशली मैंने अपने बैंक से भी बात की थी इस बारे में कि तो मेरे बैंक ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि मैम, अगर आपने कभी किसी लिंक को क्लिक कर दिया और आपके बैंक से पैसा चला गया, किसी ने आपको ड्रॉप कर लिया, तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने लिंक तो किया. सोचो सो कितनी आप स्केरी कंप्लेन चीज। करते रहोगे लेकिन पैसा तो गया. सपोज आपको कोई फाइनेंशियली लूटता है, ठीक है, और ये मेरे एक फ्रेंड के साथ हो चुका है. उसकी अच्छा किसी थाईलैंड की या किसी की, पता नहीं, लड़की से दोस्ती हुई, 1-2-3 महीने खूब बातें हुई, प्यार हुआ, फाइनली उस लड़की ने उसे कुछ बिजनेस प्रोपोजिशन दिया, तो ये पता नहीं कितने लाखों रुपए ट्रांसफर करने वाला था. दैट इज व्हेन ही रियलाइज कि व्हाट इफ कुछ गड़बड़ हो, और बड़ा ऑथेंटिक तरीके से उस लड़की ने किया, बट ये बच गया समहाउ. तो ये भी होता है. ओके, सो थोड़ा सा ये भी बात करते हैं बसंत, कि अगर आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू किसी से मिलते हैं और पहली बार मिलने जा रहे हैं, ठीक है, फोन पे बात हुई, वीडियो पे बात हुई, आप सेफ हो, आप अपने घर में बैठे हो, लेकिन अब आप मिलने जा रहे हो पर्सनली किसी से, तो मिलने जाते वक्त क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ, जो मैं भी लेती हूँ एज अ गर्ल. अगर मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, किसी से मेरी दोस्ती हो रही है, मैं मिलने जाती हूँ, जो कि ऑनलाइन भी काफी इसके ऊपर आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, कि अ वेरी गुड आइडिया इज कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो. मैं तो कहती हूँ लड़कों पे भी ये लागू होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गर्ल्स, कि अगर हाँ आप किसी से मिलने जा रहे हो तो किसी एक इंसान को इन्फॉर्म करके जाओ, घर पे या दोस्तों में, कि यस किससे मिलने जा रहे हो, उसकी फोटो, उसका नाम और कहाँ मिलने जा रहे करेक्ट। हो. एंड पहुंचने के बाद, पहुंचने के कुछ देर बाद एक टेक्स्ट कर दो कि आई रीच, आई एम सेफ. जब आप वहां से निकल के आ गए हो घर, इन्फॉर्म कर दो आई रीच होम सेफली. करेक्ट। पहली बार किसी से मिलने जा रहे हो, पब्लिक प्लेस पे ही मिलो, उनके घर या उनकी चूज की भी किसी लोकेशन पे जाने को थोड़ा अवॉइड करो, किसी कॉमन जगह पे मिलो. अगर आप किसी से किसी क्लब, बार या रेस्टोरेंट में मिल रहे हो और वो ऑलरेडी एक ड्रिंक लेके बैठे हुए हैं आपके लिए, प्लीज वो ड्रिंक ना पिए. वी डोंट नो कि वो ड्रिंक में उन्होंने कुछ मिलाया हुआ हो, है करेक्ट ना. और घर तो किसी के कभी भी ना जाए अगर आप उसे नहीं जानते हो. इट्स वेरी वेरी रिस्की. आई वुड से जब तक आप किसी से
चार पांच बार मिल नहीं लेते, मे बी उनके फ्रेंड्स और फैमिली से भी हल्का फुल्का इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, तब तक उनके साथ किसी प्राइवेट स्पेस में ना जाएं बहुत रिस्की हो सकता है। व्हाट इफ, मतलब आई नो कि ऐसे कॉमनली नहीं होता, बट हो भी सकता है, कोई साइको किलर निकला तो आप किडनैप हो सकते हो। मतलब आई नो ये बहुत ही रैंडम थॉट है बल्लू, बट बसंत, बट ये सब होता है दुनिया में, राइट? हमने हाँ कितने रियल केसेस स्पेशली अमेरिका वगैरह के सुने हैं जहाँ यंगस्टर्स ने ऑनलाइन किसी से दोस्ती की, उस बंदे ने इन्हें बाहर बुलाया, ये मिली, लड़कियां किडनैप हो गई, एक एक दो दो साल बाद मिली, यू नो दैट दे वर बीइंग हेल्ड कैप्टिव समवेयर एंड दे वर बीइंग रेप्ड एंड ऑल। सो वो थोड़ा सा एक बेसिक कॉमन सेंस लड़के लड़कियों को बरतना होगा कि किसी से मिल रहे हो पहले तो पब्लिक प्लेस में मिलो। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो उस इंसान के साथ, सपोज आप कहीं किसी कैफे में मिले, आप सोचा अरे लंच का टाइम हो गया, चलो लंच भी कर लेते हैं, डिनर भी कर लेते हैं, कोशिश करो कि आप उनकी गाड़ी में बैठ के मत जाओ, अनलेस आपको बहुत ट्रस्ट है उस इंसान हाँ पे, जब तक ट्रस्ट नहीं। बिकॉज यू नेवर नो, आप किसी की गाड़ी में बैठे तो भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, राइट? ये मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ। हाँ ये तो कोशिश रियल करो अपनी गाड़ी, अपना व्हीकल ले जाओ या एक टैक्सी या जो सब भी यूज करो, एटलीस्ट पहली बार तो एक जगह मिलो और वहां से निकल जाओ। ये साथ में उनकी गाड़ी में बैठ के इधर उधर जाना, अगर आप हुकअप या सिर्फ कैजुअल फन के लिए भी किसी से मिल रहे हो तो भी केयरफुल रहो, क्योंकि कई बार आपका ये फन बहुत भारी पड़ सकता है आपको, राइट? तो ये है। ट्रस्ट पहले गेन करो उसके शिवप्रिया, बाद इसी डीप कोई। नॉलेज ऑफ लव। सॉरी, क्या बसम, क्या बोल रहे हो? मैं वही कंक्लूड कर रहा था कि पहले ट्रस्ट गेन करो इंसान का, उसको जान लो समझ लो। जब आपको ट्रस्ट हो जाएगी, हाँ दिस पर्सन इज जेन्युइन एंड उसका भी अपना घर है, फैमिली है, एंड ही इज आल्सो अ रियल पर्सन, नॉट अ फ्रॉड और समवन साइको किलर। जब तक वो श्योर नहीं हो जाते, जब तक उतना ट्रस्ट नहीं हो जाता, तब तक अपने आप को ऐसे रिस्की सिचुएशन में मत डालो जहां आपको फिर पछताना। इफ यू रिमेम्बर बसंत, लास्ट लाइव में भी हमने ये बार बार बोला था कि जब भी किसी से मिलो, एंड आई थिंक वो ऑनलाइन डेटिंग पे भी लागू होती है, गो स्लो, धीरे धीरे, एकदम दौड़ते मत जाओ। और अगर कोई आपको पुश कर रहा है, नहीं नहीं मिलो, आज ही मिलो, अभी मिलो, यहाँ चलो, नहीं मेरे घर आ जाओ ना, ये वो, मतलब इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। मतलब वो इंसान फिर रिलेशन नहीं ढूंढ रहा, क्या पता वो जस्ट फन करना चाहता है। अगर आप भी फन करना चाहते हो नो प्रॉब्लम, इवन देन आई वुड से थोड़ा रुको, ये ना हो कि फन फन के चक्कर में आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, है करेक्ट, ना? अपने आप को सेफ रखते हुए आप जो भी मेजर्स ले रहे हो उनका, पहले बात तो आपने सबसे अच्छी बात बताई कि किसी को बता कर जाओ कि मैं यहाँ जा रही हूँ या यहाँ जा रहा हूँ, सो दैट एटलीस्ट वन पर्सन नोज कि आप कहाँ हो, आपकी लोकेशन क्या है। हो सके तो लोकेशन शेयर करके जाओ किसी के उसमें। नहीं, ऐसी एप्स आती हैं जिसमें आप अपनी लोकेशन अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप के में साथ हो जाता है, एट कॉन्स्टेंटली, आर 8 आवर्स तक की या तो व्हाट्सएप में ही हो जाती है, उससे ज्यादा तो क्या ही मिलोगे बाहर किसी से। और हमें तो देखो एक और बड़ा स्केरी सिनेरियो है जो, मतलब मैंने सुना तो नहीं है किसी से, बट मुझे ऐसा, मैं इमेजिन कर सकती हूँ ऐसा भी हो सकता है। सपोज आप किसी से मिलते हो एक बार, दो बार, तीन बार, और वो इंसान आपको अपने घर बुलाता है, आप घर चले भी जाते, ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होता कि उस इंसान ने आपको किडनैप कर लिया है या आपको अटैक कर दिया, बट सपोज आप एक इंटीमेट टाइम उस इंसान के साथ बिताते हो, लेकिन वो इंसान उसे रिकॉर्ड कर लेता है। ये सब भी बड़ा चक्कर है। आजकल हिडन कैमरास लिटरली इतने छोटे छोटे आते हैं, कोई कहीं पे भी उसे यूज कर सकता है, वो और तो फिर नेक्स्ट थिंग यू नो इज कि आपके साथ ब्लैकमेल हो रहा है। भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब हम एक ऐसी अननोन टेरिटरी में जाते हैं ना, तो हमें हमेशा सोचना पड़ेगा कि क्या गलत हो सकता है, एक थोड़ा सा माइंड में एकदम थ्रोइंग कॉशन टू द विंड, कुछ नहीं होगा, मस्ती के लिए, मजे के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, या अपनी जो भी नीड्स के लिए हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमारे और हमारी फैमिली की लाइफ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा सोशल स्टेटस या जो भी हमारी इज्जत है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ना? थोड़ा सा मे बी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट आल्सो, राइट Yes. बसंत? हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस कि किसी का कुछ रिकॉर्डिंग कर लिया गया? Not in my context, लेकिन ऐसे
दूर दूर के किस्से सुने हैं कि किसी का ऐसा हो गया, किसी का वैसा हो गया। कई तो कितने तो लड़कों के साथ, एक अभी रिसेंटली मैंने आई थिंक एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप पे, मैंने देखा कि कुछ तो अननोन नंबर से कुछ आता है हाय हेलो, और फिर आप पूछो कि ओके हु इज दिस, तो उनका सीधा वीडियो कॉल आ जाता है वहां से। फिर वीडियो कॉल पे आप देख रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ ज्यादा बात नहीं होगी या कुछ भी अजीबोगरीब चलेगा, और वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं आपके वीडियो कॉल को, स्क्रीन रिकॉर्ड करके उस मतलब आप जो देख रहे हो उसको एडिट कर देते हैं, कुछ ऐसा डाल देते हैं वहां पर जो आप ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि आप उस चीज को ही देख रहे हो या उस चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, एंड बाद में आपको उससे ब्लैकमेल करते हैं। तो ये भी चीजें हो रही वो हैं। पॉन हो सकता है कि आप पॉन एग्जैक्ट देख रहे हो, कौन सा एग्जैक्टली आई नो। तो ऐसा अगर कभी होता है तो इमिडिएटली फोन कट कर दो, क्योंकि उनके पास अगर आपके फेस स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ही नहीं बन पाएगी तो वो कभी आपको उस तरह से ब्लैकमेल कर ही नहीं पाएंगे। एंड आइडेंटिफाई करो, अगर किसी भी ऐसे नंबर से आ रहा है उसको ब्लॉक करो, रिपोर्ट अननोन, करो। तो ये तो मतलब बड़ा अजीब अजीब किस्सा आजकल सुन रहा हूँ मैं, तो बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहने हाँ की जरूरत हाँ है। अरे बहुत कुछ होता है, लोग फ्रॉड करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ करते करते हैं। हैं और कई बार सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, कुछ लोग थोड़े से दिमाग से हिले हुए भी हो सकते हैं, मतलब यू नो दे हैव सम मेंटल सिकनेस, तो आपको जस्ट अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही रिकॉर्ड कर ले। राइट वही आप किसी के घर गए, आप जस्ट लू यूज कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आपने उनका टॉयलेट यूज किया, वो टॉयलेट में आपको टॉयलेट यूज करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, यू नेवर नो। सो कर आई एम सेइंग कि बड़े तरह तरह के लोग हैं दुनिया में, और वो ऐसा क्यों करते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, आई एम नॉट जजिंग देम, बट हमें केयरफुल रहना चाहिए इस तरह के लोगों से। बस बहुत लोग बात करना चाहते हैं, प्लीज बात कर लो, एवरीवन इज कंप्लेनिंग। करते हैं। चलो ऐसा भी होता है, जो जो कूक अंकिता इज सेइंग, ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की की फोटो से अकाउंट बनाता है। और हाँ ये भी बहुत होता है कि कोई इस टाइम पे लड़का बढ़ता लड़की बन के बात करता है और लड़कों से, ये भी सुना है मैंने। ये भी एक तरह का यस, बल इसीलिए मैंने बोला कि फोन पे बात करो जल्दी से, और फिर वीडियो कॉल पे बात करो, ताकि क्लियर हो जाए कि जिससे बात कर रहे हो वो एक लेजिट, एक रियल इंसान है। मिलना तो चलो उसके भी बाद आता है। सुमेधियन शिवांगी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम श्रीलंका। एज अ श्रीलंकन फैन आई कांट मीट यू बोथ, प्लीज प्लीज बार मेरा नाम बोलो भैया। बोल दिया, लॉट्स ऑफ लव टू यू। अश्रिता बेरा, गुड मॉर्निंग, मिस यू टू बलराम सर। कृष्णा जी कहाँ है? कृष्णा जी अभी सो रहे होंगे या शायद शूट कर रहे होंगे, पता नहीं। किसी के पास आज के लाइफ को लेके अगर कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सपीरियंस है, प्लीज शेयर कीजिए, तो हम उसे शेयर करेंगे। बट प्लीज कम लाइव विथ मोनिका चौहान। मोनिका पूजा नेगी मेहरा, हाय आकांक्षा, हाय पूजा। बट आई विल श्योरली ट्राई कि ऐसा कुछ। सूफिया, सीधी सी बात है, दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं, तो बिना कंफर्मेशन के आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना कर सको इस तरह के काम करके। वेरी गुड सूफिया, समझ गए। आई थिंक सभी समझ समझ, गए। सभी सो बस इज देयर एनीथिंग एल्स वी आर स्किपिंग हमने एडवांटेजेस बात कर ली, रिस्क बात कर लिए, जो उसके नेगेटिव हो सकते हैं वो बात कर ली। आई थिंक मोटा मोटा सब कुछ हो ही गया है। हियर? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, आप फैन से इंटरेक्ट कर लो तब तक, और देख लो कमेंट्स, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ अगर कुछ रह गया है तो। पूजा नेगी मेहरा, माई किड्स आर ऑल्सो वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड योर किड्स। इट्स प्रिटी इन्फॉर्मेटिव, गुड जॉब बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच कुणाल रानी। यस, मैं एक चीज के बारे में शेयर करना चाहती हूँ जो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के से रिलेटेड है। मैंने रिसर्च, अपने पर्सनल रिसर्च पर्पस से डेटिंग साइट में पिछले 1 महीने में बहुत सारे लोगों से बात की, और मैंने उनसे पूछा कि उनका कैसा, ऑफ कोर्स अब मैं लड़की हूँ तो मेरी लड़कों से ही बात की हुई, तो ज्यादातर लड़कों की ये कंप्लेन थी कि उन्हें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना लड़कियों को मिलता है, तो लड़कियों के बड़े ऑप्शंस होते हैं।
लड़कियों से हर कोई बात करना चाहता है, लेकिन लड़के जब लड़कियों से बात करने की तो लड़कों के पास उतने ऑप्शंस नहीं होते। एंड चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, कई बार क्या होता है आप किसी से बात करना शुरू करते हो डेटिंग साइट पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, और वो इंसान अचानक गायब हो जाता है, आपको गोस्ट कर देता है या उतना अच्छे से रिप्लाई नहीं करता, और हम इस चीज को ना पर्सनली ले लेते हैं, रिजेक्टेड फील करते फील कि यार शायद, और हम अपनी वैल्यू को उस चीज से, उसका आंकलन उससे लगाने लगते हैं कि हमें कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि अगर हम किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं तो वो इंसान की दुनिया कैसी है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमें कुछ नहीं पता। ये हो सकता है कि वो इंसान सडनली आपसे बातें करने के बीच में किसी ऑफिस के काम या किसी काम में बहुत बिजी हो गया, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई बहुत, या फिर वो इंसान किसी और से मिल गया तो अब वो इस चीज को इग्नोर कर रहा है और उसमें इतना सेंस नहीं है कि वो आपसे बोल दे कि भैया मैं बिजी हूँ या टाइम नहीं है। हमें जो ये रिजेक्शन है इन्हें पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करते हैं। हमें कहीं ना कहीं हमारी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलने लगता है, हमें लगता है कि क्या मैं कम हूँ, क्या मेरी फोटो इतनी अच्छी नहीं थी, क्या मैं दिखता इतना अच्छा नहीं हूँ, क्यों मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या कोई इंसान मुझसे बातें करते करते गायब क्यों हो गया। तो कहीं ना कहीं हम उससे ना बड़ा इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वी हैव टू सी कि अगर कोई इंसान जा रहा है, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। मैंने ये लास्ट टाइम पे बोला था। आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट ऑन इट टॉक ऑन इट आई गेस यू गाइस शुड ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ अ प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन कैन टेल अ लॉट वेन एवर इट हैज सम रेड फ्लैग्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट Whenever it has a Whenever it has some red flags, मतलब किसी की प्रोफाइल से हम कैसे पता करते हैं कि उसमें भी रेड फ्लैग्स हैं, तो क्या रेड फ्लैग्स हैं उस प्रोफाइल से कैसे पता चलें? अच्छा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है? ये कोई वो नहीं है, कोई ज्ञान भरी बात नहीं है, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पर्सनली जब किसी का प्रोफाइल देखती हूँ, अगर पहली ही फोटो में इंसान ड्रिंक कर रहा है, सिगरेट पकड़ के बैठा है, या उसने अपनी ऑफ बिना शर्ट की बॉडी दिखाती हुई फोटो लगाई है, या कोई बड़ी सी कार मर्सिडीज के सामने खड़े होकर फोटो, तो समाओ मेरे लिए वो नो होता है। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अपनी पहली फ्रंट प्रोफाइल पिक्चर में ही दिखा रहा है कि मैं तो ड्रिंक करता हूँ, मैं स्मोक करता हूँ, या वो शो ऑफ कर रहा है अपनी कोई अमीरी या जो भी कोई गाड़ी, वो शायद उसकी खुद की गाड़ी भी ना हो, या अपनी बॉडी बॉडी दिखा रहा है, तो ये सारी चीजें ना बड़ी आउटर की चीजें हैं। जो इंसान फ्रंट पे इतना आउटर को रखता है ना, मैं उस इंसान में उतना इंटरेस्टेड नहीं होती। मैं ज्यादातर वो प्रोफाइल्स प्रेफर करती हूँ जो चाहे गुड लुकिंग हो या ना हो, सिंपल हो। पहली पिक्चर, स्माइलिंग पिक्चर काफी अच्छा काम करती है। ज्यादातर लोग जब अपनी फ्रंट पिक्चर स्माइलिंग लगाते हैं ना, वो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, और फिर मैं एक पढ़ती हूँ। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ सर बीच में, फिर आप इसी को कंटिन्यू करना, क्योंकि ये पूरा हाँ हाँ बोलो ना। यस मुझे लगता है कि पहली बात तो हर किसी को अपनी रियल पिक्चर लगानी चाहिए, मतलब यस, लड़कियों और की, लेटेस्ट लेटेस्ट पिक्चर। लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब लड़कियां लड़कियों को भी लगानी चाहिए, लेकिन ठीक है आप अगर उतने अभी श्योर नहीं हो, या आपको, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कुछ लड़कियों से बात करके कि उनको इस बात का डर होता है कि कहीं हमारे फैमिली मेंबर्स ना देख लें, तो दैट इज ओके, लेकिन आप जब भी अपनी पिक शेयर करो या जो भी अपने आप को प्रेजेंट करो तो अपना रियल सेल्फ प्रेजेंट करो। एंड लड़कों को तो ये मेन एडवाइस लड़कों के लिए, बहुत सारे लड़के ऐसे फैंसी फोटोज लगाते हैं या ऐसी ऐसी फोटोज लगाते हैं जो वो होते भी नहीं, एकदम अनरियलिस्टिक फोटोज, तो उससे क्या होता है आप सामने वाले को मिसगाइड कर रहे हो और वो मिस गाइडेंस आपको कहीं नहीं ले जाएगी और फिर वो डिसअपॉइंटमेंट में ही आपको लाके लास्ट में छोड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही आपका जो स्टेप है वो आप सच का रखो कि हाँ सी दिस इज हाउ आई एम, दिस इज हाउ आई लुक एंड दिस इज व्हाट इट इज। आपको अगर पसंद है तो लेट्स टॉक फर्दर, नहीं पसंद है कोई बात, इंस्टेड कि आप बाद में उनको रियलिटी उनको पता चले और उसके बाद वो डिसअपॉइंट होके आपको कुछ बोले एंड फिर आप उनके ऊपर, और आपका भी टाइम वेस्ट हो, उसका भी टाइम वेस्ट हो। एग्जैक्टली। तो ये ट्रांसपेरेंसी स्टार्ट से ही रखना बहुत जरूरी है।
बहुत सारी लड़कियां भी ये करती हैं, स्पेशली जब से मेकअप और ये फिल्टर्स आए हैं तब से तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है कि वो होती कुछ और है एंड फिर वो दिखता कुछ और है। अच्छा, मेरे साथ एक फनी चीज हुई थी. मैं बम्बल पे आई सबसे पहले. मुझे बम्बल बहुत अच्छा लगा. बम्बल पे मैंने अपनी एक पुरानी फोटो जानबूझ के लगाई जिसमें बिल्कुल कोई मेकअप नहीं है. तो मैं एक ऐसी फोटो ढूंढ रही थी जो बिल्कुल सिंपल और सादगी हो. तो मेरे पहले बाल लंबे थे, सब जानते हैं, वेस्ट लेंथ तक. जब मैं हिमाचल में थी तो मैंने हिमाचल की फोटो लगाई. बस मैं सो के उठी हूँ, एक लूज सा जंपर पहना हुआ है और स्वेटशर्ट पहनी हुई है और लंबे लंबे बाल है मेरे. जिस भी इंसान से मेरी बात हो, हर कोई मेरी बातों बालों की तारीफ करे. और फिर मैं उनको बोलूँ यार मेरे बाल कट गए हैं. तो फिर मैंने डिसाइड किया हटाओ यार इस फोटो को. फिर मैंने अपनी लेटेस्ट फोटो डाली जिसमें मेरे बाल छोटे हैं. करेक्ट, तो ये भी होता है कि सपोज किसी को बालों से बड़ा प्यार है, वो इंसान आपको मिलके बोले यार इसके तो बाल ही नहीं है. राइट। तो ये भाई भाई मिसगाइड नहीं करना है किसी को भी, आप जैसे हो वैसा ही प्रेजेंट करो सो दैट क्लियरिटी रहेगी दोनों के बीच में, कोई किसी तरह से मिसगाइड नहीं होगा। अब प्लीज आप वो Yes. करो जो आप बोल रहे थे। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, क्योंकि हम इस बारे में प्रोफाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कि ऑफ कोर्स अपनी फोटोज जितनी रियल हो, सिंपल हो और जितनी आज की बहुत क्लोज सारे हो, लोग मतलब लेटेस्ट हो. यूज करते हैं फोटो ना, क्या स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, आई नो आई नो तो वो भी मतलब एक तरह से आपको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होने देगा सामने वाले इंसान का। नहीं. यस यस एक्चुअली ना देखो, पहली बात तो मैं कहूंगी किसी की पिक्चर्स देख के ही आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि वो इंसान कैसा है. जैसे बहुत सारे लोग पिक्चर्स में पेट्स को पकड़े हुए होते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि इंसान को पेट्स बड़े पसंद है. कोई इंसान बड़ी ट्रैवलिंग की पिक्चर्स डालता है तो आपको समझ आ जाएगा कि इस इंसान को ट्रैवलिंग बड़ी पसंद है. तो अगर आपको भी पसंद है तो आपकी शायद एक बॉन्डिंग हो सकती है. कुछ लोग बुक्स की पिक्चर्स डालते हैं, कुछ लोग मतलब ऐसे अलग अलग. उनका थोड़ा आपको समझ आ जाएगा कि ये शो ऑफ करने वाला बंदा है, फेक है, रियल है. थोड़ा पिक्चर से समझ आएगा. फिर आप उनके प्रोफाइल को पढ़ो कि प्रोफाइल पे क्या लिखा है. कई बार जो आप पढ़ोगे ना उसको देख के भी बहुत कुछ समझ आ जाता है. जैसे मैंने एक बार एक बंदे के प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल देखा, फॉरनर था. जब बात हुई तो उसने मुझे बोला कि मेरी मॉम इंडियन है, फादर फॉरनर है और मैं एक इंडियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ. तो आई सेड इंडियन ही क्यों? तो ही सेड बिकॉज़ आई एम लुकिंग फॉर एन ओबीडियंट वाइफ. ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी बीवी. मैंने कहा यार आज्ञाकारी बीवी मतलब तू स्लेव ढूंढ रहा है क्या? मतलब क्या नौकर ढूंढ रहा है? और एग्जैक्टली वो बंदा ब्रिटिशर था. तो मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रेसिस्ट हियर, बट मैंने उसे मजाक में बोला कि भाई ब्रिटिश राज खत्म हो चुका है, इंडियंस ने तुम्हारी स्लेवरी करनी बंद कर दी है. तुम क्या यहाँ इंडिया में ओबीडियंट वाइफ ढूंढने आ रहे हो? मतलब क्या लाइफ पार्टनर ओबीडियंट क्या होता है? तो कई बार लोगों की बातों को भी आप अलर्ट होके सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या ढूंढ रहा है, क्या चाह रहा है. उसकी बातों से समझ आ जाएगा वो कितना रिस्पेक्टफुल है. कई लोगों से आप बात करते हो कि कॉल डिसाइड होता है कि कॉल करनी, और उस टाइम पे बात नहीं हो पाती. क्या वो इंसान अपोलोजाइज करता है कि नहीं करता है? कुछ लोग तो ऐसे बिहेव करते हैं अनअपोलोजेटिक कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी बोलते हैं कि नहीं, थैंक यू बोलते हैं कि नहीं. ये बेसिक शिविलरी से आपको पता चलेगा कि इंसान की अपब्रिंगिंग कैसी है, उसका वैल्यू सिस्टम कैसा है. और जो चीजें हमने लास्ट लाइव में बताई थी लव को सिलेक्ट करते वक्त, कि थोड़ा टाइम लो, जानो इंटीमेट होने से पहले, एक एटलीस्ट एक 3 मंथ का टाइम पीरियड लो, उस इंसान को दोस्त की तरह जानो. वो तो ऑनलाइन आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो तो वो पीरियड और भी बढ़ जाना चाहिए. जान तो लो उसकी फैमिली कौन है. कि करेक्ट, नॉर्मल लाइफ में तो बसंत हम किसी से जब मिलते हैं किसी पार्टी में, वर्क प्लेस में, तो आपके बीच में कुछ कॉमन फ्रेंड्स होते हैं जो राइट, वाउच कर सकते हैं ये इंसान कैसा है. बट जब आप ऑनलाइन किसी से मिलते हो तो कोई कॉमन है ही नहीं बीच में. वो इंसान अच्छा है, बुरा है, पागल है, सही है, नहीं है, कुछ नहीं पता. आपको खुद का ही जजमेंट यूज करना होगा. तो उनके साथ इन्वॉल्व होने से पहले इमोशनली, फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज, पर्सनली, फिजिकली स्पेशली थोड़ा टाइम ले. राइट? यस यस, एक बार जान लो अच्छे से, समझ लो कौन है क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है काम या करती है। मैं मतलब सिर्फ लड़कों की साइड से नहीं बोल रहा, मैं लड़कियों का भी बोल रहा हूँ, मतलब सॉरी उल्टा। तो
देख लो, समझ, पहले जान लो कि इंसान सच में जेन्युइन है या नहीं। कोई कह रहा है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, तो है कि नहीं है पहले देखो तो सही। कुछ चीजें ऐसी बातें करो, वो बातों से ही पता, सही बोला आपने, भी बातों से ही पता चल जाएगा। उसकी बातों में ही दो तीन चीजें ऐसी निकल जाएगी कि अरे कॉलेज में मैंने परसों ये किया वो किया समथिंग, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला इसने, ये एक्चुअली है, इसीलिए उसकी बातों में भी वो चीजें आ रही। तो उससे आपको थोड़ा बहुत टाइम लेके फिर और पता है मैंने ऐसा देखा बसंत कि कुछ लोग बड़ी जल्दी झूठ भी बोलते हैं, आप वो भी पकड़ सकते, समझ आ जाता है अगर आप थोड़ा सा, वो जो एक चश्मा होता है ना लिमरेंस का, हमने लास्ट लाइव में, जिन लोगों ने लास्ट लाइव नहीं देखा प्लीज देखें, जिसमें एना हमारे साथ थी, हम तीनों थे, जो लिमरेंस का जो चश्मा है ना, कि वो जो वो ड्रीमी, वाह मुझे प्यार हो गया मुझसे, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, उसमें खो के जो हम ऑब्जेक्टिविटी और लॉजिक पे ध्यान नहीं देते ना, तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ ये तो है, यानी स्पेशली कि सामने वाला ना हमेशा आपको दिखाएगा बसंत कि वो क्या है, अगर आप अलर्ट रहो। लड़कों के केस में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि कोई अच्छी लड़की मिली जिससे बातचीत हो गई, तो दे आर वेरी मच इन अ हरी कि अरे जल्दी बात करूं या जल्दी मिलूं या जल्दी कर। डेस्परेशन थोड़ी होती है, और थोड़ा लड़कों को लगता है कि हमारा क्या नुकसान हो सकता है, तो थोड़ी केयर फ्री ज्यादा होती है। ज्यादा तो वही, वो आपको ये भी सोचना होगा कि आप अपने एंगल से ही नहीं सामने वाले के एंगल से भी सोच के देखो कि जब तक वो कंफर्ट नहीं आता तब तक आप पुश मत करो, किसी को फोर्स मत करो। जेन्युइनली जब तक आप एक दूसरे को पूरी तरह से जान नहीं लेते या पूरी तरह से ट्रस्ट गेन नहीं हो जाता तब तक। तो आई थिंक मोटा मोटा हमने सब कुछ ही कवर कर ही लिया है अब, और मुझे लग रहा है कि 1 घंटा भी हो ही चुका है, तो वी शुड वाइंड दिस अप, क्योंकि इंस्टाग्राम हमें अपने आप बंद करे उससे पहले हम नहीं बॉलीवुड। नहीं पता है, इंस्टाग्राम बंद नहीं करता, एक बार फटाफट चैट देख लेते हैं, पता प्रॉब्लम है जब मैं ऊपर स्क्रॉल नहीं कर पा रही। सीता डोगरा सुरभि से, क्या बॉयज ऐसे होते हैं जिनको आपके, यार मैं ना ऊपर का स्क्रॉल ही नहीं कर पा रही। वंशिका ने पायल पूछा है, रिलेशनशिप से, फर्स्ट द पर्सन लव सो मच बट देन ही स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट इन अस, व्हाट शुड वी डू एट द टाइम एंड वी डोंट want to hurt them as even। लास्ट लाइव देखो प्लीज, लास्ट लाइव में इस बारे में बहुत बात हुई है, बट अगर बसंत आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिए। अब इस पे क्या बोलूं, लास्ट लाइव में हमने सारी बातें करी, अगर आपको पहले ही आप ये इस टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं है, बट हाँ लास्ट लाइव देखे। कुणाल, कुणाल माय फ्रेंड कुणाल इज योर, बट कुणाल का मैसेज ऊपर चला गया और हम स्क्रॉल नहीं कर पा रहे। हाय कुणाल, सुरभि कुणाल इज अ फिल्म मेकर फ्रॉम बॉम्बे, आई मेट हिम ऑनलाइन ओनली, वेरी वेरी इज बिकम अ गुड फ्रेंड। सो ऐसा भी है कि कुछ अच्छे दोस्त भी बना पाई हूँ मैं। बसंत जी, आपको टेलीविजन से पार्टनर चाहिए या फैमिली से भी? ओके ऐसा क्यों हो रहा है, कैन समबडी गाइड मी, कि ये जितने ये हैं मैसेजेस हैं, ये सिर्फ एक बार दिख रहे हैं एंड देन गायब हो जा रहे हैं। संजय घोष, सुमेध पायल, पूजा नाल रंजन, सर जी, माय नेम पूजा। इफ अ पर्सन सेज दे आर इनटू इन्वेस्टमेंट एंड बिटकॉइन प्लीज स्टे अवे एंड बी वेरी कॉशियस। राइट राइट, अगर कोई वैसे ही पैसे वैसे सबकी बातें कर रहा है, तो आप ऑनलाइन किसी के थ्रू क्यों करना चाहोगे? आप किसी एजेंट के थ्रू जाओ, किसी रिश्तेदार के थ्रू, या सुमे निर्मला, नमस्ते कीर्ति जी, नमस्ते निर्मला जी, क्या कोई है जिसे हम ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं बट जिसके पास इस चीज को लेके क्वेश्चन है, नॉट जस्ट टू हाय हेलो, अर्पित अगर कोई है तो। 495 ने कहा है कि योर बसंत, फैमिली, डू यू हैव 10-15 मिनट्स और आर यू गेटिंग लेट फॉर द शूट? डू यू हैव सम टाइम? देन वी कैन टेक वन और टू पीपल जिनके पास कोई प्रॉपर क्वेश्चंस हो। हाँ चलेगा ना, ऐसा कोई हरी नहीं सो है। गाइस, वी आर वेटिंग, अगर किसी के पास प्रॉपर क्वेश्चन है, बसंत आपको ही देखना पड़ेगा, मेरे गायब हो रहे हैं, तो मुझे अब नायम बताइएगा अगर कोई प्रॉपर क्वेश्चन डालता है। प्लस द पर्सन शुड हैव अ प्रॉपर इंटरनेट, बिकॉज हम ऐड करते हैं फिर उनका नेट काम नहीं करता, तो फायदा नहीं हो पाता। बसंत आप देख लीजिए, मुझे नाम बता दीजिएगा, बिकॉज रिक्वेस्ट आई हुई है। 8 4 9 उमेश मच्छी 4 8 4 9 ने पूछा, सर हमें जो गुणों
से पसंद करता हो, जो हमारी खूबसूरती या पैसे से पसंद करता हो, तो किस पर ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए? गुणों से ऑब्वियसली। खूबसूरती सी ऑब्वियसली सी खूबसूरती ये पैसा शक्लो सूरत तो चली जाएगी ना गाइस नहीं चली हमारी, जाए, मतलब पर अभी इसमें एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये कि तो ऑलरेडी जा रही है। पहला अट्रैक्शन होता है ना, वो लुक से ही होता है पहला, मतलब मोस्टली। कई बार किसी की, आपको जैसा आपने बोला कि बाल भी पसंद आ जाते हैं, किसी को किसी की आवाज पसंद आ जाती है, किसी का ड्रेसिंग सेंस पसंद आ जाता है, किसी के बात करने का स्टाइल पसंद आ जाता है, तो ये सारी चीजें भी हैं। बट अल्टीमेटली आपको एक अगर लॉन्गर रिलेशनशिप चाहिए, जो आपको चाहिए कि इस इंसान के साथ मैं हमेशा रहूं, तो आपको देखना होगा कि उसके गुण कैसे हैं, और वो आपको टाइम के साथ ही पता चलेगा। क्योंकि लुक्स तो आप कुछ दिन बड़ा एंजॉय करोगे, बड़ा अप्रिशिएट करोगे, या लोगों को दिखाओगे देखो मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा दिखता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो जब कॉमन हो जाएगा तो आपको लगेगा कि व्हाट नेक्स्ट, और क्या है। तो और उसके अंदर जो गुण हैं, उसके वैल्यूज हैं, उसकी लाइफ के एथिक्स हैं, वर्क एथिक्स हैं, वो सारी चीजें ही आपको मोटिवेट करेगी, या वो प्यार जगाने में कंटिन्यूअसली हेल्प करेगी कि हाँ यार, इस इंसान से मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा इंसान है, या ये इस इंसान की ये चीजें बहुत अच्छी हैं जो एज ए ह्यूमन मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, या लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं, कोई दयालु है, या उसके बारे में आई थिंक हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और अगर हाँ चाहिए तो लास्ट टाइम बात कर चुके हैं और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप और स्पेशली शादी का डिसीजन ऐसा है कि अगर आप गलत ले लेते हो, अगर आप गलत रिलेशनशिप में आ जाते हो, तो वो आपको कई बार ना बहुत भारी पड़ जाता है आपकी जिंदगी के काफी साल, आपके बहुत इमोशंस, आपका पैसा, बहुत कुछ उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है तो उनको भी दुख होता है। वी हैव टू बी केयरफुल। हमने लास्ट लाइव में भी ये बात बोली थी कि कोई भी इंसान जो अपना रियल सेल्फ है ना, वो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं छुपा सकता, कितना बड़ा एक्टर भी हो। तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जब आप किसी से मिलो, पहले 2-3 महीने उसको सिर्फ दोस्त की तरह जानो, देखो कि वो इंसान में क्या क्वालिटीज हैं। बिकॉज लाइक बसंत ने बोला कि एंड ज्यादातर यही होता है, हम एक अच्छा गुड लुकिंग हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या दोस्त या गुड लुकिंग वाइफ या गर्लफ्रेंड क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा वट बढ़ जाएगा, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी अगर हमारे साथ में कोई अटैच है जो बड़ा गुड लुकिंग है। बट ये तो एक टेम्परेरी चीज है, बाद में आपको उस इंसान के साथ रहना होगा, समय बिताना होगा। तो अगर वो इंसान की वैल्यू सही नहीं होगी या वो इंसान अच्छा नहीं होगा, तो सफर आपको और आपकी फैमिली को करना होगा। यस सो रिलेशनशिप में जाने से पहले, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, प्लीज टाइम ले जाने एज अ फ्रेंड। आई नो एक एज होती है, स्पेशली टीनेज जो होती है, 13, 14, 15 प्यूबर्टी हिट करने के बाद, और यू नो 18, 20 साल, 25 साल तक आई थिंक आपके हॉर्मोन्स इतने ओवर एक्टिव होते हैं, इतने किक इन कर रहे होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको बड़ा अट्रैक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है, आप लिमरेंस में वो जो इन्फैटुएशन के फेस में बड़ी आसानी से चले जाते हैं। ये हमने लास्ट टाइम एना से भी बात की है, और उसमें अपने आप को रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हमें कभी भी ना उस छोटे चीज को नहीं सोचना होगा। अगर आप 18, 20, 25 साल की उम्र में किसी के साथ रिश्ते में आते हो, बाद में शादी होती है, तो आपको अगले 50 साल की सोचनी होगी, आपको अपने मम्मी पापा की सोचनी होगी, आपको अपनी फैमिली की सोचनी होगी, अपनी मेंटल हेल्थ की सोचनी, अपनी हेल्थ की सोचनी होगी। इन सब पे आपके रिश्ते का असर होता है। आप सिर्फ एक किसी के साथ कैजुअली भी इन्वॉल्व हो जाते हो, वो इंसान भी आपको किसी ना किसी तरीके से एनर्जी वाइज अफेक्ट करता है। तो थोड़ा कंट्रोल को प्रैक्टिस करना जरूरी है। लामसाल ऑफिशियल का एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है, आजकल सिर्फ मामूली गर्ल ही नहीं बट एक्टर्स का भी फेक न्यूज़ शेयर करते हैं, तो क्या और क्या लोग उसको मान भी जाते हैं, और एक्टर्स और गर्ल्स को जो का जो फुटेज होता है वो खराब कर देते हैं? व्हाट यू बोथ कैन टॉक अबाउट? आई थिंक वट ही इज टॉकिंग अबाउट इज कि जो लोगों के फेसेस यूज करके पॉर्न बनाया जाता है आजकल, ये भी बहुत कॉमन हो रहा है।
मैं इनफैक्ट हिमाचल में थी एंड वन गाय शेयर्ड कि किसी ने उसकी फोटो या कुछ वीडियो बहुत सारा मतलब इंस्टाग्राम वगैरह से उठाया और किसी पॉन में मॉर्फ कर दिया और वो इतना रियल लग रहा था, तो वो लड़का देख के इतना डर गया, उसे लगा उसकी फैमिली ने देखा तो उनको लगेगा ये रियल है, और उस लड़के ने उन्हें पैसे भी दिए, बट एक बार पैसे देने से वो बात नहीं बनी, वो बार बार पैसे मांगने लगे, फाइनली उसको पुलिस पे जाना पड़ा, बट ज्यादा कुछ हेल्प नहीं मिली, मतलब काफी ट्रॉमेटाइज था बंदा। तो सब चीजें भी होती ही हैं, और ऑफ कोर्स एक्टर्स के साथ भी होती है, नॉर्मल लोगों के साथ भी होती है। तभी हाँ मतलब एक्टर्स भी तो नॉर्मल ही हैं, वो तो हम लाइमलाइट में रहते हैं, बट हैं तो हम भी इंसान ही नॉर्मल। एक आरती करके देर इज अ गर्ल, आई नो हर वाया माई कजिन। आरती हैड आस्ड अ क्वेश्चन अबाउट वन फिनोमिना, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट फिनोमिना, बट उसका मतलब बेसिकली ये था, रिमेम्बर वसंत, मैंने तुम्हें एक लास्ट क्वेश्चनेयर में वो भेजा है, स्नैपशॉट भेजा था, तो बेसिकली उस फिनोमिना के बारे में भी बात कर लेते हैं अगर वसंत 5 मिनट है तुम्हारे पास तो। हाँ श्योर श्योर। आरती अगर ऑनलाइन हो तो प्लीज उसका नाम बताना, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि मैं सपोज एक फैन हूँ किसी टीवी शो का, फिल्म का, या किसी क्रिकेट टीम का, तो उस वो सेलेब या म्यूजिक बैंड का, तो उस सेलिब्रिटी के साथ ना मेरा एक इमेजिनरी रिश्ता बना लेती हूँ, और उस इमेजिनरी रिश्ते के फिनोमिना का कुछ नाम बताया था आरती ने, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम। सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप उस रिश्ते को, फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्रेंड्स बड़ा पसंद है, ठीक है, फ्रेंड्स शो पसंद है, फ्रेंड्स शो में फीबी है या जो भी है वो मुझे इतनी पसंद है, या जोई है जो भी है, अब मैं फैंटेसी में जीती हूँ एज इफ वो मेरी लाइफ का हिस्सा है, मैं उनसे बात करती हूँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, और सो बेसिकली साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने इस फिनोमिना के बारे में ये बोला है कि एक हद तक तो ये हेल्दी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं जिनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता, या जो बहुत सोशलाइज नहीं करते हैं, जैसे ये पेंडेमिक का टाइम था कि एक्सट्रोवर्ट्स भी सब लोग कूप्ड अप थे, बंद थे, है ना, तो वो लोग के लिए एक हद तक तो ये ठीक है कि आपने किसी, जैसे सुमेध के, तुम्हारे, हम लोगों के फैंस हैं, कि आपने उनके साथ एक रिश्ता बनाया, उन्हें अपना भाई माना, या जो भी है, जो भी मैया कोई मुझे बुलाता है, दीदी बुलाता है तुम्हें, दाऊ भैया बुलाता है, या वो पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जो भी है तुम्हें, सुमेध को, मलिका को, एक हद तक तो ये ठीक है क्योंकि आपकी लोनलीनेस दूर करता है, और अगर वो इंसान यानी जैसे तुम, सुमेध, मलिका, मैं, हम लोग कुछ पॉजिटिव कंटेंट दे रहे हैं, तो इनकी लाइफ में उस रिश्ते को बनाने का वैल्यू भी ऐड होती है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि ये फिनोमिना कब डेंजरस हो जाता है, जब कोई जो फैन है या जो इस फिनोमिना से गुजर रहा है, वो इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करके अपना 100% फोकस उस सेलिब्रिटी पे लगा देता है, यानी कि अगर उस सेलिब्रिटी, वो सेलिब्रिटी कहीं जा रहा है तो पता नहीं कितने किलोमीटर ट्रेवल करके वहां पहुंच गए, अगर वो लाइफ पे आ रहा है तो अपना कॉलेज मिस करके, ऑफिस मिस करके अटेंड कर रहे हैं, ऑब्सेशन और दिन रात, या उन्हें स्टॉक कर रहे हैं, उनकी लाइफ को डेंजर पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को और सिक्योरिटी को डेंजर में डालने की कोशिश कर रहे हैं, या इतने ऑब्सेस हो गए हैं कि लाइफ में कुछ और सोच ही नहीं पा रहे, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे, बस ये इमेजिन कर लिया है कि इसी से शादी ही करेंगे या वो ही करेंगे, जो पॉसिबल शायद ना भी हो, है ना। तो ये भी एक इस बारे में आरती ने शेयर किया था, मुझे काफी अच्छा वो लगा, और ये एक प्रॉपर एक टर्म है इसके ऊपर, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द टर्म, बट इसको लेके भी हमें ध्यान देना चाहिए, बिकॉज मैंने स्पेशली देखा है कि राधा कृष्ण के बहुत अमेजिंग फैंस हैं, मैं मुझे बड़ी खुशी होती है जितना प्यार वो लोग देते हैं सुमेध को, तुम्हें, वसंत को, मलिका को, मुझे, पूरे शो को, बट हमें, मैं सारे फैंस को ये मैसेज देना चाहूंगी, एंड आई एम श्योर बसंत भी से भी चाहूंगी कि वो कुछ कहें, कि प्यार दें लेकिन आपकी अपनी लाइफ रुक जाए, आपकी अपनी लाइफ में आप आगे ना बढ़ पाए, या आपको कोई हार्म हो उस वजह से, या जिस सेलिब्रिटी को आप प्यार करते हो उसे कोई हार्म हो, उस लेवल पे नहीं जाने देना उस चीज को, है ना। हेल्दी रहे, एक मैं म्यूचुअल प्यार रहे, तो हम भी उसे अप्रिशिएट करते हैं और आप भी अप्रिशिएट करेंगे, और हम हमेशा चाहेंगे, मतलब
मैं तो बसंत जितने फॉलोअर्स हैं उन्हें लिटरली अपने बच्चों की तरह ही मानती हूँ। मतलब बहुत मुझे उनसे उनके लिए केयर है। ये लाइव करना, तुम सब लोगों का सर खाना कि चलो करते हैं, कोई एक अच्छा अच्छा टॉपिक उठाना, वो इसीलिए होता है कि कोई एक वैल्यू एडिशन हो उनकी लाइफ में। करेक्ट, तो मैं तो हमेशा चाहूंगी अच्छा है, लेकिन हर सेलिब्रिटी फैंस को उस तरह से नहीं देखता, उतनी वैल्यू नहीं देता। तो आप का यूज हो जाए या आप हर्ट हो जाओ, आप हार्म हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान ना दे पाओ, उस लेवल पे नहीं जाना है ना। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी एक्टर, कितने बड़े से बड़ा एक्टर भी, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन बड़े से बड़ा एक्टर भी समझ लो, वो इंसान भी काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए। तो उस इंसान ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए आप उसके फैन हो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल फैन आपको जिसका होना चाहिए वो वैसे साइंटिस्ट हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए या सेल्फलेस होकर कोई हमारे सोल्जर्स हैं, आर्मी के लोग हैं, एग्जैक्टली किसान हैं किसान है। तो जिनकी वजह से हम खाना खाते आपको अगर हैं। फैन बनना भी है या इतना शिद्दत दिखानी भी है, मुझे लगता है वैसे लोगों के लिए होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सेलिब्रिटीज को वो फैंडम मिलता है। बट सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही ये मिलता है, एंड मैं इसको कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, बट मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देयर शुड बी अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। आप किसी को पसंद करते हो, किसी सेलिब्रिटी को पसंद करते हो, जैसे बचपन में मुझे बड़ा था शाहरुख खान, शाहिद कपूर, गोविंदा, तो बड़ा ऐसे मैं फैसिनेशन माइकल होता। जैक्सन की फैन थी बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, तो फैसिनेशन हुआ मैं है तो माइकल जैक्सन से शादी करना चाहती थी बसंत। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये फैसिनेशन इसीलिए होता है जस्ट बिकॉज सीइंग, हम उनको देख रहे हैं कि अरे यार इन्होंने इसमें एक्ट किया एंड हम उन्हें देख पाए, बट हम ये नहीं रियलाइज करते कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने तो जस्ट अपना काम ही किया ना। जैसे एक, एक्टिंग हाँ मतलब उनका काम ही तो है वो, जैसे नॉर्मली कोई स्वीपर है वो झाड़ू मार रहा है, वो झाड़ू मारने के लिए कोई उसका फैन थोड़ी हो सकता है, अनलेस उसने झाड़ू एकदम ऐसा मारा हो जो कि मतलब क्या ही मार दिया, तब तक आप उसके फैन नहीं होगे ना। सेम वैसे ही एक एक्टर एक्ट कर रहा है, सम ठीक, फैंस आर राइटिंग कि नहीं, हम आरके के, सुमेलिका के सबके फैन इसलिए हैं क्योंकि आप लोग सब मोटिवेट करते हो, फॉर विच आई एम रियली थैंकफुल। यस एग्जैक्टली, दिस कैन बी अ रीजन कि हाँ चलो ये इंसान मुझे बड़ा मोटिवेट करता है या फील गुड मोमेंट होता है। तो आई एम अ फैन जो जिसको उसका सानिध्य पसंद है, हिंदी वर्ड है सानिध्य, इंग्लिश में मतलब कंपनी पसंद है, या उसके वीडियोस देखना है या उससे इंटरेक्ट करना पसंद है, विच कैन बी अंडरस्टूड। लेकिन इस चीज की एक्सट्रीम में आप नहीं जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहिए, कि जब आप एक्सट्रीम में चले जाते हो तो वो सेलिब्रिटी के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है एंड आपके लिए तो होता ही है, क्योंकि आप तो अपनी पूरी लाइफ छोड़ के वो उसी में लग रहे हो। तो ये मैं बहुत पहले, कोई कह रहा है ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक शुरू कर दिया है आपने। क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल है, सो क्या कॉन्ट्रोवर्शियल है इसमें, मुझे नहीं लगता बेसिकली आई नो, मैं फिर वापस समझाने की ये कोशिश बेसिक करती हूँ अंडरस्टैंडिंग। गाइस। हम ये मैं नहीं, थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ जिनको भी लग रहा है कि कॉन्ट्रोवर्सी है या जो भी है, सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है। आप खुद किसको आइडियल मानते हो वो डिसाइड करेगा कि आप क्या बनते हो। एक्टर्स जो प्ले कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनका काम है, दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट, एंड वो नहीं करेंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया किसी कॉज के लिए और उसके बाद उन्होंने मतलब और हम लोग जिंदगी सिर्फ डिवोर्स, आरके के एक्टर्स की हमारी बात नहीं कर रहे, हम जनरल पूरी पूरी दुनिया की बात, दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के सारे एक्टर्स की बात कर रहे हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टेलीविजन, म्यूजिक बैंड्स और क्योंकि बात की एक्सट्रीम की हुई है इसीलिए ये बात की भी जा रही है, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इस फैंडम को। आई लव यू अ लॉट, मतलब आप सब लोगों ने जितना प्यार दिया, मतलब मैं तो कभी वो शायद रिटर्न कर भी ना पाऊँ, इस जन्म में तो कर भी नहीं पाऊँ। आगे। तो मैं मैं कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब देखती हूँ कि लोगों ने इतनी अमेजिंग पेंटिंग्स बनाई हैं और इतना प्यार, सेट पे आते हैं कई बार लोग, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, गले लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
यस, तो ये जो आपका प्यार है ये तो बहुत मतलब हमें सपोर्ट और मतलब मेंटली बहुत हेल्प करता ही है. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मतलब जो मैं रियली कह रहा हूँ उसको मिसअंडरस्टूड भी किया जा सकता है, लेकिन जो मैं रियली बात कह रहा हूँ वो ये है कि किसी भी चीज की एक्सट्रीम अच्छी नहीं है. स्पेशली एक्टर्स का मैंने ये फिनोमेना इसीलिए क्लियर किया क्योंकि आप पहले अंडरस्टैंड करो कि आप जिनको जिनके लिए इतना एक्सट्रीम में जा रहे हो, वो इंसान सिर्फ अपना काम ही कर रहा है. वो काम करेगा, पैसे आएंगे, उसका घर चलेगा, दैट्स ऑल. एक सीए जो आपका सीए का काम करता है, वो साइन करता है या जीएसटी फाइल करता है या इनकम टैक्स फाइल करता है आपके लिए, वो अपना काम कर रहा है. उसके लिए आप ऑब्सेस नहीं हो सकते कि क्या जीएसटी फाइल किया है सर मैं तो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता. सिमिलरली एक्टर्स का भी वैसे ही ठीक है, आपको उनका सानिध्य पसंद है, उनकी बात से आप मोटिवेट होते हो तो आप उनकी कंपनी में रहो, इंटरेक्शन में रहो, लेकिन एक्सट्रीम्स में मत जाओ. उस चीज को आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि कहाँ मेरा मेरे एक्शंस एक्सट्रीम में जा रहे हैं. इज इट अफेक्टिंग उस सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ को वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ उसकी वजह से, उस एक्सट्रीम बिहेवियर की वजह से अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है. यू नो यू नीड टू मॉनिटर इट, दैट इज ऑल. ज्यादा किसी ने क्वेश्चन पूछा है बसंत कि कैन वी ट्रस्ट समबडी हु वी हैव मेट ऑनलाइन? हाँ तो ट्रस्ट क्यों क्यों नहीं कर सकते ऑनलाइन भी? तो जैसे आप ऑनलाइन गए हो तो आप तो जेन्युइन हो ना, वैसे सामने वाला भी हो सकता है कि जेन्युइन, लेकिन हो सकता है कि ना भी हो. तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन जाननी पड़ेगी. अब आप खुद को सोचो कि आपके ऊपर कोई क्यों ट्रस्ट करे, कैसे ट्रस्ट करे. तो आप बताओगे ना मैं कहाँ रहता हूँ, या मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे एम्बिशंस क्या हैं, या आप ऐसी ऑथेंटिक चीजें बताओगे अपनी लाइफ के बारे में जो सामने वाले को ट्रस्ट करने के लिए हेल्प करेंगी. तो वैसी चीजें उनसे बात करो, उस तो क्यों नहीं ट्रस्ट बिल्ड होगा. बिल्कुल. जैसे मैं लड़कों को ये सजेशन दूंगी जिन चीजों ने मुझे थोड़ा पुट ऑफ किया है, कि जो भी लड़कों से मैंने ऑनलाइन बात की है, अगर वो बड़ा प्रेशर डालते हैं, जल्दीबाजी मचाते हैं ना, अभी बात करो, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, जैसे अब क्या होता है, आप किसी भी डेटिंग साइट पे भी आप चैट कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, लेकिन शायद वो उतना कन्वीनियंट नहीं होता जितना इंस्टाग्राम होता है। तो लड़के ना आप ये हाय हेलो ही हुई और इमिजिएटली अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देंगे और कहेंगे कि लेट्स कनेक्ट दे, तो मैं थोड़ी सी मतलब पुट ऑफ हो जाती हूँ कि यार रुको यार, थोड़ा जानने तो दो, मैं इतनी जल्दी अपना पर्सनल नंबर कैसे शेयर कर सकती हूँ? करेक्ट, एंड इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी गर्ल, कि एकदम जल्दी से किसी को अपना नंबर शेयर कर देना, किसी भी डेटिंग ऐप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चैटिंग का ऑप्शन वहां से सेफली होता है बिना पर्सनल नंबर शेयर किए बिना। फोन भी कर सकते हो, वही कुछ तो. कुछ ऐप्स में तो वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो, तो पहले उसे यूज करो, जब श्योर हो जाओ तब अपना पर्सनल नंबर शेयर करो, और तब भी अपने बैंक डिटेल्स, अपना कि फोन घर का एड्रेस ये सब ना दें। वही वही घर का एड्रेस तो बिल्कुल ही ना दे. फोन भी नंबर आप एक्सचेंज करो जब आप बहुत हद तक ट्रस्ट गेन कर चुके हो, वीडियो कॉल कर चुके हो, लेकिन फिर सवाल आता है वीडियो कॉल करे कहाँ. तो प्लीज फाइंड ये सम. वीडियो कॉल्स भी होती हैं इस पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल होती है, हाँ इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल कर लो. हाँ सही. जाती है, तो उसके बाद ही फेसबुक पे हो जाती है वीडियो कॉल, नंबर और बहुत, बहुत सारे मीडियम्स पे हो जाती है। और फोन नंबर से ही बहुत सारी चीजें इंसान कलेक्ट कर भी सकता है. आपने सिर्फ फोन नंबर शेयर किया, हो सकता है कि वो बाकी इंफॉर्मेशन भी अपने आप ही निकाल ले, क्योंकि ट्रू कॉलर और बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं. बी केयरफुल. I am looking for some more questions. I think more or less we are set, Basant, है ना? यस 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 ऑलमोस्ट. हमने थोड़ा ज्यादा ही कर लिया हर चीज पे बात. नहीं, हमने पहले से कम किया बसंत, हर बार जब हम ऑनलाइन आते हैं हम 2 घंटे एक के बाद एक करते हैं, इस बार चलो क्योंकि कटा नहीं है तो एक साथ 1.5 घंटे का कर। बसंत, कैन वी टेक अ सेल्फी? इसको कैसे लूं मैं, क्योंकि जब आप पोस्ट करो ना तो ऊपर का सब कट जाता है। दो तीन ले लेती हूँ,
मुझे तो अपनी शक्ल कभी भी अच्छी ही नहीं लगती। नहीं अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। सो ठीक है गाइस, आई थिंक वी आर ऑल सेट। एक बार वो समबडी इज क्राइंग, सो मेनी पीपल आर क्राइंग। बसंत एक बार प्लीज सबको हाय बाय बाय बोल दो, कुछ एक नाम वाम ले लो सबके। माय सा फिनोमेना ऑफ पैरा सोशल इंटरेक्शन, ये आरती ने डाला है इससे पहले कि वो गायब होता, मैं देख लिया। पैरा सोशल इंटरेक्शन जहां पे वो रियल इंटरेक्शन नहीं होता, वन साइडेड होता है, कि हम किसी, जैसे एक टाइम पे मुझे माइकल जैक्सन को लेके ये था, और जब उसकी शादी हुई थी तो मुझे लगता था वो शेट इसकी शादी हो गई। सो बसंत एक बार कमेंट्स देख लीजिए, एंड मैंने कई बार इनवाइट किया, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्रॉपर किसी का मुझे रिस्पॉन्स दिखा नहीं, इसलिए हमने किसी को ऐड नहीं नहीं किया। आए हैं बहुत एंड सारे क्वेश्चंस लेकिन हम पढ़ नहीं। बट मतलब कैन वी ऐड देम? नो ना, मतलब वी डोंट नो इफ इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि नहीं भेजी हाँ है, क्या है, क्वेश्चंस आप ही देख पा। तो बहुत आए। सुप्रिया कार कह रही है हाय। हाय सुप्रिया बसंत डू यू वांट टू ऐड पीपल हु हैव क्वेश्चंस? कर सकते हैं। हाँ कोई वी कैन राइट? ओके क्विकली गाइस, वी गिविंग यू 5 मिनट्स, प्लीज अगर क्वेश्चंस हैं और ऐड होना चाहते हो तो फटाफट बोलो यहाँ पे कि ऐड मी, आई हैव अ क्वेश्चन, और रिक्वेस्ट भेज दो। एंड अगर इंटरनेट अच्छा है तो वी वेट फॉर 5 मिनट्स। बस मुझे नाम बताना, बिकॉज मेरे तो ये गायब ही होते जा रहे हैं सब कुछ। ओके मैं मेकअप आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं, ये टॉपिक का नहीं है, मेरा नाम बताइए प्लीज। देवी इफ यू हैव अ क्वेश्चन राइट, ऐसा लिखिए मेरे पास क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन, ऐड मी, इस टॉपिक से रिलेटेड प्लीज, इस टॉपिक से रिलेटेड, और कोई क्वेश्चन नहीं। ओके सुमेलिक, सुमेध मलिका, सुमेलिका 1996 को मैं ऐड कर रही हूँ, अगर आई होप उसका नेटवर्क सही हो। शी हैज, ओ गॉड वी लॉस्ट पर्सन, हाउ हैव वी लॉस्ट बसंत एंड नाउ हाउ डू आई ऐड बसंत? सेंड रिक्वेस्ट टू बसंत एंड आई थिंक इंस्टाग्राम को लग रहा है कि मेरा मेरा टाइम ओवर हो गया है। बस मैंने इसको ऐड किया है, सुमेल का गो लाइव विद सुमेध मलिका, सुमेलिका 1996 मैंने ऐड किया है, बट आई डोंट नो ऐड क्यों नहीं हो रही है वो। नहीं प्रिपेयर्ड होगी शायद। एक नहीं तो आई थिंक मेरी ये तरफ से कुछ गड़बड़ हो लोग रही है। भेज तो देते हैं लेकिन उनको लगता नहीं है कि होगा। सडनली हो जाते हैं दे आर शॉक्ड कि अच्छा अरे अनएबल टू ज्वाइन, वही प्लीज डोंट सेंड रिक्वेस्ट इफ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन। मैं क्विकली एक दो लोगों को ऐड कर देती हूँ बसंत, सो दैट एवरीबडी इज थोड़ा सा हैप्पी। यस यस गोविंद जोशी कोई है, लेट्स सी हु अरे कैन ऐड देम। गोविंद गोविंद जोशी मेरे भाई हैं। अच्छा योर कजिन क्या? यस 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 वाओ ओह हाय लकी, कब आई एम बिग फैन ऑफ यू बसंत, एंड यू नो आई हैव बीन लुकिंग एट योर दिस पास्ट 1 आवर, एंड आई लेफ्ट माय ऑल द वर्क ऑन साइड। आई एम सॉरी, आई एम सिटिंग इन स्टारबक्स, पीपल आर लुकिंग एट मी, ओके मीट बट ग्रेट, but great, thankful and हाय grateful to you, both of you, that you came up with a good topic. मुझे लगता है कि मुझे भी डाउनलोड करने चाहिए, what do you think पसंद? करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए। but great to see you आई and पर्सनली वुड रिकमेंड, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बंबल और हिंज पे अच्छा रहा है, सो आई वुड रिकमेंड बंबल एंड हिंज। I'll tell you my experience. मैं अभी हिंदी में बात करूंगा, अंग्रेजी और समझ जाएंगे तो लोग। मेरा एक मैनेजर था, ही सजेस्टेड मी कि सर यू हैव टू एक्चुअली डाउनलोड
टिंडर और मुझे पता भी नहीं था क्या है एंड आई डिड इट बट इट वाज अ टाइम वेस्टर फॉर मी ट्रस्ट मी तो दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस 4 इयर्स बैक ओके हाउ आर यू बसंत मुझे आई एम नॉट एबल टू हियर हिम आर यू एबल टू हियर हिम क्लियरली यस ओके आई एम गुड कमल दा My name is Govind on the social. Anyhow, love you, Basant, and proud of you. And thank you, Rawat ji. आपका भी आप अच्छे से टॉपिक लेके संडे को आ रहे हो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है बिकॉज हमें तो पता भी नहीं कि बहुत चीजें मार्केट में आ चुकी हैं है ना थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू एंड कीप डूइंग वेल एंड ऑलवेज आई लुक एट यू बसंत आपको स्क्रीन में देखते रहता हूँ and I'm proud of you, brother. Thank you. Thank you so much. Love you so, all. So yeah, bye. Take care. Have bye. A good time. Bye. आपको I think disconnect करना होगा. I'm not able to disconnect you. And I hi left. Krishna Radhe Radhe. Basant, why are most of the people coming like ki they are not able to accept? Are Basant is again gone. हाय हाय पसंद है हाय 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 मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ राधा कृष्ण हर रोज देखता हूँ एक ही एपिसोड मिस नहीं करता आज तक तो कहाँ से हो आप मैं साउथ से हूँ भैया साउथ से ओके क्या नाम है आपका चरण चरण डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज सेशन Yeah, I have a small question. Yes, please ask. Bro, when you got the character of Balram, how did you feel to act like Balram? When you got a character of Balram, excuse me. When you got a character of Balram, how did you feel? What is your feeling about that? What one will feel? One can feel amazing as it's a wonderful opportunity. मुझे भी वैसे हाँ ये था कि थोड़ी एंग्शियस हो गया था थोड़ा समय कि कैसे उसको पोर्ट्रे करूंगा एंड क्या प्रिपरेशन रहेंगी बट आई थिंक वो कर लिया मैंने भी तो वहाँ अपोजिट में सुमित भी था वो क्या 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 वो भी था आपका रिलेशन बहुत अच्छा था स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन पे ऑफ स्क्रीन पे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखा है आपका थैंक यू सो मच ऑनलाइन YouTube पे भी हेलो हेलो यस यस सो आई थिंक वी विल हैव टू से बाय टू यू बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू टेक पीपल हु हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सेशन राइट ओके 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 ठीक है बाय थैंक यू सो मच कैन यू डिस्कनेक्ट थैंक यू बाय थैंक यू यस मैम बाय ओके थैंक यू वन Listen, why is your this thing getting disconnected again and again? Yeah. Shoot. Hello. Am I audible? I'm adding Snigdha. Maybe the last unable to join. What is this? There are a lot of guys today in the session, huh? Ballu? क्या? मुझे तो इतने सारे requests दिख रहे हैं, but many of them are saying
unable to join, so I'm not able to understand ki is it happening from our side or I think let's wind it up. Join ho gaya koi? No, somebody's come online. Pata nahi kisko maine add kiya. Hi, who's this? Hi. Hello. They don't have network. ठीक है बसंत, I think we should just wind it up. Yes. Because it's 11:40. I have to also go somewhere. Uh-huh. And I'm sure you also have work. So thank you so much, Basant, for joining in. Thank you so much to you too, AK. आप ऐसे अब next time हम ऐसे कोई topic पे बात करेंगे जो और ज़्यादा relate कर पाएं, जिससे और लोगों को help हो. I think we should talk about anger issues as well in one topic. क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ बसंत की भी I'll get psychotherapist next time. There is somebody called Nirmala Manzez, I think, her Catholic lady, extremely good psychotherapist. Right. Maybe next Sunday or next to next Sunday, I'll try to get her an anger issue or any other suggestions if you have. Correct. Or if people who are watching, if they have any suggestions, then okay. There is somebody we can see. एक सेकंड के लिए चेहरा दिखा फिर वो गायब हो गए. कौन है? So next time we can do something like that. Hi, hello. Hello, Basant sir. Hello, क्या नाम है आपका? संतोष नाम है मेरा. संतोष. घर में सब जोना बुलाते हैं. कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ. कहाँ से? मैं भी बढ़िया, आप बताओ. मैं चंडीगढ़ से. अच्छा, अरे वाह, बढ़िया. यहाँ बारिश हो रही है, आज नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी बहुत. फर्स्ट कमरे में आई हूँ. ओके ओके. आपके पास कोई क्वेश्चन है जोना? अभी तो कोई नहीं है ऐसे रिगार्डिंग. मैं तो हॉस्ट भी हो रहा हूँ, आपसे बात कर रही हूँ. नहीं कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच, आपने मुझे ऐड किया. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. ओके जोना, वी आर सेइंग बाय टू एवरीवन. बाय, टेक केयर. आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, दोनों की बहुत ज्यादा एक्टिंग अच्छी है आप दोनों की. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत. लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू. Lots of love to you. Bye. Bye. ये उनके लिए था बस. मजाक कर रही हूँ. Okay, bye guys. चलो bye. ठीक है बसंत, यू प्लीज एंजॉय योर शूट और हॉलीडे या जो भी आज आपका दिन जैसा भी प्लान है, प्लीज एंजॉय करें. एंड वील कनेक्ट सून. एंड लाइक यू सेड की एंगर इश्यूज या जो भी इश्यूज आप बता रहे हो, कोई और कंस्ट्रक्टिव उसमें कर सकते हैं. फिर विल कम ऑन लाइव नेक्स्ट टाइम. ठीक है, चलो, सी यू सून देन. सी यू सून एवरीवन. बाय बसंत. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका लाइव ज्वाइन करने का. चलिए. यस, थैंक यू सो मच एवरीवन. या थैंक यू सो मच. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.